यस थैंक यू, मैं फ्लो में आ जाने से भूल ही जाता फिर। थैंक यू, आशा जी भी आ गई है। चलिए नमस्ते रेचल मैथ्यू जी। अरे यार राकेश जी कैसे हैं आप, बड़े दिनों के बाद देखे। आपकी तबीयत कैसी है बताइए। यशस्वी जी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। वैष्णवी कुमार सरला जी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्ते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर। नमस्ते नमस्ते सरला जी। तो थोड़ी देर में करते कैमरा ऑन। हाँ ठीक है ठीक है। राकेश जी आपकी तबीयत कैसी है। मेरी ठीक है सर, आपको भी बड़े टाइम पर देखा मैंने। चलो चलो नमस्ते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारे पुराने स्टूडेंट सब हैं। सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप कहाँ से बोल रही हैं, आप आपकी शक्ल नहीं दिख रही, कहाँ है। सर ओपन तो है। अच्छा हाँ नहीं नहीं आ गया, आप नीचे आ गए ना। ठीक है ठीक है, नहीं मैं ऊपर उड़ रहा था। ठीक है बाकी लोग भी अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा इजी रहता है, इंटरेक्ट करने में अच्छा रहता है। ठीक है, तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का मेन जो मोटो है कि आपको किस तरह से खिचड़ी पकाना है, सिंपल वर्ड में खिचड़ी पकाना आना चाहिए, कि कौन सा प्लैनेट क्या इफेक्ट दे रहा है, अपने किस भाव में बैठा हुआ है, कहाँ से उसका कनेक्शन बन रहा है, ये सारी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, किन लोगों को पता है 12 भावों के बारे में, जैसे मैं अभी ये शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, ये देखिए सर कुंडली के 12 भाव क्या कहते हैं, इसके बारे में किन लोगों को पता है, मतलब आप लोगों को पता है ना प्रथम स्थान से क्या देखते हैं, दूसरे स्थान से, तीसरे स्थान से, किन लोगों को पता है प्लीज आप मैसेज में यहाँ पे टाइप कर दीजिए, या अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ ऑन करके अनम्यूट कीजिए और बोलिए। पता है सब। पता है ना हाँ थोड़ा बेसिक, बहुत। ये वाला पता है कि कहाँ पे कौन सा भाव में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और कौन सा भाव क्या क्या व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें दिखा सकता है। ठीक है, 12 हाउसेस पता है, लेकिन आपने जैसे डिटेल में लिखा है इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला फ्रेम आपको गूगल में मिल जाएगा, आप सिर्फ लिखेंगे कुंडली के 12 भाव, तो ये वाला इमेज आपको मिल जाएगा। ये वाला इमेज उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज़रूरी है, इसको सामने रखना हमेशा। ये क्या होगा ना, इसको आप पिक्चर मेमोरी बना लो आप, कि ये भाव ऐसा है, यहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं, तो ये जितना ज़्यादा आप आपके डेस्क पे सामने रखोगे ना, रोज़ देखोगे, देखते 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 वो पिक्चर ही बन जाएगा और कभी नहीं भूलोगे आप, कभी नहीं। तो इससे ओके क्या होता है ना, इससे हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम स्थान, ठीक जी। है, लग्नस्थ व्यक्तित्व रूप रंग शरीर, हाँ ठीक है, यश अपयश पूर्वज सुख दुख आत्मविश्वास अभिमान धोखे, ये धोखे लिखा हुआ है, एक्चुअली धोखे, व्यक्ति को कई बार धोखा लग जाता है, वो लगन से भी देखते हैं और 8वें स्थान से भी देखते हैं, 12वें स्थान से भी कई बार आता है, वो धोखे का टाइप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लग्न इसमें प्रधान है, मतलब 12 के 12 भाव में लग्न सबसे प्रधान है, ये अल्टीमेट है, ये अगर ठीक है तो बाकी आप हर तरह के उपाय निकालकर हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये ठीक नहीं है ना तो कोई भी उपाय करो ना, जब तक आप लग्नेश को मजबूत नहीं करेंगे कोई उपाय काम नहीं करता, कभी भी ठीक से नहीं काम। दूसरा जो स्थान है वो धन स्थान, आर्थिक स्थिति कुटुंबियों का है, आर्थिक स्थिति में ये आता है कि आपके बैंक अकाउंट में, यानी आपके पास सेविंग्स कितना है, ठीक है, आपके पास सेविंग्स कितना है, सेविंग्स का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा धन को लेकर ही बोलें, वो सारे सेविंग्स भी जो आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे पहले के टाइम पे पुराने जमाने पे लोग ना मवेशी रखते थे, मतलब कि जितने डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहा जाता था पशुधन, ठीक है, आज के डेट में पेट रखते हैं लोग ना, वो भी एक बहुत बड़ा धन है, हम भले ही अब आज के डेट में उसको ये समझ रहे हो कि कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, हमारे पास डॉगी है, लेकिन वो सिर्फ डॉगी नहीं है, आप देखेंगे उसके पीछे इतना बड़ा साइंस है कि जब हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, उनके साथ हमारा अटैचमेंट इतना डीप रहता है, वो सिर्फ हमारा भरण पोषण नहीं करते, वो हमारे प्रॉब्लम, मतलब जो इमोशनल प्रॉब्लम है ना, उसको बहुत जल्दी वो, मतलब उसको कहते हैं क्लियर आउट कर देते हैं, साफ कर देते हैं, बिल्कुल, इतना ज्यादा उनका महत्व है। तो पशुधन को भी पहले के जमाने में दूसरे भाव से देखा जाता था, चेहरा घराने
आपका घर यानी कि आपके घर में रिश्तेदार आपके जान पहचान वाले के साथ आपका कैसा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। आवाज, पानी, वाणी और जिह्वा, खाने का तरीका, कौन सा किस तरह का स्वादिष्ट भोजन आप पसंद करते हैं, वो सारी चीजें बताए। खान पान कहा गया संपत्ति। तीसरा भाव कहा गया है, यहाँ पर मातृस्थान लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर भ्रातृस्थान होगा, छोटा भाई, ठीक है। छोटा भाई का उसका के साथ कनेक्शन या छोटी बहन के साथ। तीसरा घर जो होता है हमेशा भार्या का होता है, यानी सॉरी माफ करना, भार्या बोल दिया मैं, छोटे भाव का, छोटे भाई बहनों का होता है, ठीक है। ये आपके शैली को दिखाता है, आपके काम करने का तरीका क्या है, ये आपके नेटवर्क को दिखाता है, आपका जान पहचान किस तरह के लोगों के साथ है, जनसंपर्क, ठीक है। ये मतलब ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ का एक ऐसा गेटवे है, ऐसा दरवाजा है, जिससे जहां से निकल के आप सोसाइटी के साथ मिक्स होते हैं। ये थर्ड हाउस जो है आपके लाइफ का पूरा लिंक बिठाता है, शुरुआत यहीं से होता है। थर्ड हाउस आपका पड़ोसी भी है, आपका आपका जिसको कहते हैं चेष्टा बल, कुंडली का चेष्टा बल हमेशा तीसरे घर से देखते हैं, आप अपने साइड से कितना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। थर्ड हाउस इज ऑलवेज एन एफर्ट, कितना ज्यादा एफर्ट आप अपने लिए किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए आप कितना खुद से प्रयास कर रहे हैं, वो थर्ड हाउस बताता है। फोर्थ हाउस है मातृस्थान, माँ माँ के घर को दिखाया गया। फोर्थ हाउस जो है ये पर्टिकुलरली कहा गया है माता को डेडिकेटेड है, माँ को। ये दूसरा जो है गृह सुख, यानी आपके पास खुद का अपना घर, अपना सारी चीजें, सुख सुविधा की चीजों, सिर्फ इसमें हम घर को नहीं लेंगे, एनी लग्जरी आइटम जो आपको सुख देता है, ठीक है, ये सुख स्थान कहा गया। कुछ भी, ये कार भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई भी लग्जरी आइटम हो सकता है, वो वाली चीज जहां जाकर आपको सुकून मिलता है, वो है फोर्थ हाउस, ठीक है। और इससे हम लोग अपना वो देखते हैं, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति मतलब हो जाता है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जैसे हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो है अचल संपत्ति हम चौथे घर से देखते हैं। पांचवा घर जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, सोचने का तरीका, ठीक है। पांचवा घर सोचने का तरीका, इसको कहा गया है संतान की जगह, हमारे सोचने की जगह और प्रेम संबंधों के जगह। ये मतलब आपका किसी के साथ किस बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, लव अटैचमेंट है, या ऐसा समझ लीजिए कि बहुत अच्छे दोस्त हैं जिसका अटैचमेंट आपके थॉट प्रोसेस के साथ है, वो फिफ्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस और एक चीज बताता है, फिफ्थ हाउस बताता है दादाजी, यानी पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी आपके कैसे हो थे, उनका ये वाला जो है भाव से पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति के दादाजी का कैसा हिसाब किताब था। अगर यहाँ पर बहुत कोई क्रूर प्लैनेट बहुत ज्यादा कहते हैं मर्सीलेस, जैसे शनि आ गए, मंगल आ गए, तो दादाजी का प्रताप बहुत ज्यादा ही तगड़ा था, ठीक है, ये हम लोग समझते हैं। फिफ्थ हाउस से प्रेम प्रसंगों को देखा जाता है, फिफ्थ हाउस से अपने बच्चों को देखा जाता है, संतति, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। हमेशा जो भी भाव है उससे जो पांचवा घर आता है उसके नेक्स्ट जनरेशन को देखा जाता है। तो प्रथम भाव से पांचवा घर, ये नेक्स्ट जनरेशन संतति को देखा जाता है, प्लस ये आपके इंटेलेक्चुअल को भी दिखाता है, मतलब आपका ब्रेन कितना किसी चीज को वाइडली सोच सकता है, इंटेलेक्चुअली सोच सकता है, दुनियादारी के साथ समझ किस तरह से अपने आप को अपने साथ सामंजस्य से बिठा सकता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल सकता है, वो सारे पांचवें घर से देखे जाते हैं। इसलिए पॉलिटिशियंस के पांचवें घर में हमेशा कोई ना कोई डिप्लोमेट प्लैनेट होना चाहिए, तभी वो पॉलिटिक्स में जी सकता है, नहीं तो फिर वो खत्म। छठा घर जो होता है ना, जिसको कहते हैं रोग, रण और शत्रु, ठीक है। सबसे पहले छठा घर सिक्स हाउस कहा जाता है, रोग यानी बीमारियां, ठीक है। छठा हाउस से हम अपने देखो, शरीर है तो उसमें व्याधियां होंगी, व्याधियां क्यों आती हैं, आपके कर्म फल से आती है, ठीक है। तो ये कर्म फल कहाँ से होता है, हमारे दसवें घर से होता है। तो कर्म का भाग्य होता है, मतलब जो आपने कर्म किया उसका फल आपको छठा घर देगा, इसीलिए सिक्स हाउस का इम्पोर्टेंस करियर के साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। छठा घर जो होता है आपके शत्रु यानी आपके कंपटीटर्स, शत्रु का मतलब ये नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट जो वो सामने दिख जाए तो मैं उसको खत्म ही कर दूंगा, ऐसा वाला शत्रु नहीं,
एनी वन हु इज कम आपके साथ कंपेयर जो कर रहा है, कंपेटिटर, ठीक है, जो आपको पीछे पछाड़ना चाहता है, जो आपको रेस में हराना चाहता है, वही आपका शत्रु या छठे भाव का आदमी है। और ये कई कुंडलियों में देखेंगे सिक्स हाउस बहुत ज्यादा मजबूत होता है, या सिक्स हाउस में राहु मिले या मंगल मिले, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, इसको जब तक कंपटीशन में ना डालो ना, इसको जब तक कंपेयर ना करो किसी के साथ ना, तब तक ये आदमी जागता नहीं, अपना काम नहीं करता। उसको कंपैरिजन चाहिए, उसको फाइट चाहिए, उसको कोई ना कोई कंपटीशन चाहिए जहां पर वो अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखा सके, अपने अंदर के टैलेंट को दिखा सके, मतलब उसको उकसाना पड़ता है। अच्छा, ये गुप्त शत्रुओं का भी होता है कई बार जो है, यहाँ पर जैसे केतु आ जाए तो लोगों के पास, लोगों के गुप्त शत्रु होते हैं, मतलब वो दिखते सामने से है दोस्त, पता चलता है कि यही दोस्त जो है पीछे से छुरा भोंकने वाले दोस्त भी बन जाते, ठीक है। और सिक्स हाउस जो है ना, डेली रूटीन को भी कहते हैं, जैसे आप सुबह उठकर स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं, दिस कॉल्ड डेली रूटीन। तो जो भी आपका डेली रूटीन है, अगर सिक्स हाउस बहुत अच्छा है, तो आपका डेली रूटीन हमेशा फिक्स होगा और बहुत सुंदर तरीके से होगा। अगर सिक्स हाउस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कोई ना कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वहां पे हो रहा है, तो आप कभी भी रोज अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। कभी सुबह जल्दी उठ जाएंगे, कभी लेट से उठेंगे, कभी कुछ कभी कुछ, कोई भी रूटीन नहीं रहेगा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। सिक्स हाउस डिसिप्लिन भी देता है, रूटीन, वर्क एंड डिसिप्लिन। इसलिए सिक्स हाउस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करियर से अगर कनेक्शन जोड़े तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स हाउस 10वें का भाग्य होता है, इस वजह से आप जो भी कर्म करते हैं उसका भी फल हमें छठे घर से ही मिलता है। 7वां घर होता है भार्या, भार्या मतलब जो भी लाइफ पार्टनर, अगर पुरुष की कुंडली है तो भार्या, और स्त्री की कुंडली है तो उसका पति। और वैवाहिक सुख प्लस कोर्ट कचहरी की बात कही गई है, कोर्ट कचहरी 7वें घर से भी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम छठे घर से और 12वें घर से देखते हैं, 7वें घर से उसका रिजल्ट कितना आएगा वो देखते हैं। तो ये जो है ना, 7वां घर जो है आपका स्टेटस भी, मतलब आप किस तरह के स्टेटस में रहते हैं वो आपका 7वां घर दिखाता है। आपका ऑपोजिशन मतलब जैसे ऐसा व्यक्ति जो आपके डिसीजन का विरोध करे, उसको शत्रु में नहीं गिनेंगे, ऐसा व्यक्ति जो आपके डिसीजन का विरोध करे, आपके साथ ना रहे, दैट इज ऑल्सो आपका 7th हाउस, ठीक है। अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी 7वां घर ही देता है, ठीक है। ये सौभाग्य का भी जगह है, सौभाग्य का क्यों, क्योंकि ये 10वें घर का दशम है, 10th हाउस का 10th है, तो 10th का 10th होने की वजह से जो भी कर्म आप करेंगे, उस कर्म के साथ साथ उस कर्म का जो कर्म की जो क्वालिटी है वो क्या होने वाली है, वो 7वां घर बताता है, ठीक है। ये इसको हम लोग कहते हैं भावत भाव, भावत भाव बहुत बाद की चीज है, पहले हम इन सब घर के बारे में समझ लें, फिर भावत भाव में जाएंगे। भावत भाव से प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्शन को और भी डीपली करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद है अष्टम भाव, 8वां घर क्या होता है, नॉर्मली 8वां घर को कहा गया है मृत्यु का घर, मृत्यु स्थान, ठीक है। दुख, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, अनीति, भ्रष्टाचार, नुकसान, अकस्मात लाभ कहते हैं, अकस्मात, अचानक से अगर आपके पास कोई भी धन आ गया, धन की स्थिति, ठीक है, अकस्मात धन को भी बस कहते हैं। शेयर मार्केट का यार कनेक्शन 8वें घर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नपुंसकता, या मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर रहता है, तो 8वें घर से हम लोग देखते हैं। ये किसी भी तरह के रिसर्च, बहुत ज्यादा डीप रिसर्च में आप जाते हैं, किसी भी काम को बहुत डीपली समझते हैं, तो 8वां घर अगर किसी का बहुत अच्छा है तो व्यक्ति रिसर्च वर्क में बहुत सक्सेसफुल होता है।
ठीक है, ये कई बार विदेशों से भी कनेक्शन बनाता है, इंडिया के बाहर या जन्म स्थान से काफी दूर का कनेक्शन। ठीक है, आठवां घर होता है अकस्मात धन लाभ, या जिसको कहते हैं पुराने जमाने में कहा जाता था गड़ा हुआ धन मिलना। ठीक है, कई बार पुराने टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास तो बैंक नहीं था, तो वो जमीन पर कहीं भी जाके अपना जो है धन गाड़ के रख देते, और जिस वजह से दूसरे मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस हो जाता था, फिर जाके किसी को उस जगह पे खुदाई हुई तो वहां से कुछ मिल गया धन संपत्ति, वो विशेष रूप से लाभ, या उसको हम लोग कहते हैं आज के डेट में लॉटरी का मिलना। ठीक है, लॉटरी अगर आठवां घर बहुत अच्छा है कंडीशन उसका, कहीं से भी कनेक्शन 11 से बनता है या सेकंड हाउस से बनता है, क्योंकि ये दोनों धन के घर है, ये आपका संचित धर्म धन और ये आप जो कमाएंगे वो धन, इसका कनेक्शन अगर आठवें से बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अकस्मात लाभ होता है, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, सट्टे से, ठीक है, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसके बाद आता है नवा घर, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का क्या है, नाइन्थ हाउस सबसे पहले देखा जाता है आपका भाग्य, मतलब आपने पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया था, उस कर्म का फल आपको क्या मिल रहा है, वो आपका नवा घर बताता है। ठीक है, नवे घर से देखते हैं पिता। ठीक है, पिता फादर का नेचर कैसा है, फादर कितना सपोर्टिव है, फादर से हमें क्या लाभ मिलेगा, यह सारी चीजें नाइन्थ हाउस बताता है। तीर्थ यात्रा, दूर दराज के तीर्थ यात्रा में जाना, तीर्थ यात्रा करना, उसको भी दिखाता है, ये धर्म को भी दिखाता है। ठीक है, धर्म को भी कैसे दिखाता है, ये कोई भी आप धर्म क्या होता है, धर्म एक्चुअली वो रिलीजन की बात हम लोग कर रहे हैं, रिलीजन एक्चुअली नहीं, धर्म का अर्थ होता है कि आपका पूरा लाइफस्टाइल किस तरह से है आप बिताते हैं, आप किन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, आपको संस्कार कैसे मिले हैं, ये सारा नाइन्थ हाउस बताता है। नाइन्थ हाउस अगर बहुत अच्छा है, जैसे गुरु बैठे, केतु बैठे, या गुरु केतु का योग बना हुआ है, या ऐसे प्लैनेट जैसे सूर्य बैठे, सूर्य हो तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, मतलब कि उसका थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन वाला कनेक्शन बनता है, क्योंकि फादर जो है थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन वाले हो जाते हैं। लगा ठीक है, तो ये नवे घर से हम लोग देखते हैं, और नवा घर एक और चीज होता है, नवा घर वो भी डिसाइड करता है कि आप ना जो भी अपने लाइफ के लिए गोल्स बनाते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये नाइन्थ हाउस से ही पता चलता है। ठीक है, या फिर समझ लो कि प्लानिंग को बनाना भी नाइन्थ हाउस का ही काम होता है, कि आपके भाग्य में कितना ज्यादा कैसा किस तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा और वो किस तरह से आपको फलीभूत होगा। अब आते हैं दसवां घर। दसवां घर होता है कर्म का, सबसे बड़ा घर है ये, सबसे इंपॉर्टेंट घर है, पुरुषों के लिए तो सर्वोपरि है आजकल, और मतलब फीमेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि वर्किंग वुमेन्स है, करियरिस्टिक है, क्योंकि ये पूरी तरह से करियर, उसके अलावा आपके पूरे इस शरीर में जो आया हुआ जो जो ये आत्मा है, इस आत्मा में ने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या कर्म का मतलब हो गया कि जैसे गीता में कहा गया ना अकर्म और विकर्म, अकर्म वो होता है जो हम सिर्फ थॉट प्रोसेस में रखते हैं, दिमाग में सोचते हैं, और विकर्म वो होता है जिसको हम लोग करते हैं। ठीक है, सांस लेना, सांस छोड़ना, खाना पीना, ये भी कर्म में ही आता है, तो हर तरह के कर्म को जो है दसवें घर से देखते हैं। लेकिन आज के डेट में एक बहुत बेसिक और बहुत ही जिसको कहते हैं पॉपुलर कंसेप्शन ये बन गया है, कॉन्सेप्ट है कि करियर देखना है तो दसवां घर देखो, सीधा सीधा दसवें घर में पहुंच जाओ, दसवें घर में क्या है, कैसा है, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी बात है। वो बात सही है, यहाँ से बहुत कुछ मिलता है, जैसे लिखा हुआ कर्म स्थान, पैतृक सुख, अधिकार, अधिकारी योग, प्राण, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक यश कीर्ति, शासन करना, ये सारी चीजें, सम्मान, व्यवसाय, उद्योग धंधे, ससुर को भी कहा गया है, राजकारणी कहा गया है, मतलब ससुर नहीं आएगा एक्चुअली, वो सास आएगा, यहाँ पर क्या होता है अगर लगन है तो दसवां घर जो है वो दिखाता है कि सातवां घर पत्नी हो गया, पत्नी से चौथा यानी कि सास, तो ये भावत भावम से अगर देखें तो ये जो है सास को भी दिखाता है दसवां घर, मेल फीमेल दोनों की कुंडली। अब जाते हैं ग्यारहवें घर को देखते हैं, ग्यारहवां घर क्या होता है, ग्यारहवां घर सीधा समझ लो कि वो घर है जहां पर हर चीज दुगना होता है, वैसे तो कहा गया है मित्रों का है, आपके इनकम का है, यानी आपने जो कर्म किया उस कर्म का क्या
आउटपुट निकल के आ रहा है वो दिखा रहा है आपका एकादश भाव, लाभ। ठीक है, किस किस तरह के लाभ मिलेंगे, प्राप्ति। लाभ मतलब एनी सेंस ऑफ लाभ, चाहे वो धन संपत्ति का लाभ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का लाभ हो, चाहे वो संतान का लाभ हो, मतलब आपको जो लाभ पहुंचाए वो। ठीक है, वो लाभ हर तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस है वो भी, उसको भी प्राप्त कर लेना लाभ होता है। या जिस चीज को आप चाहते हैं कि मेरे पास आए, डिजायर, इच्छा, जो कहते हैं परम इच्छा, इच्छा की पूर्ति कहा जाता है इस 11वें घर को। ठीक है, एक्चुअली इच्छा जागृत होती है 9वें घर से, और उसके लिए कर्म करते हैं हम 10वें घर में, और उसकी प्राप्ति हो जाती है 11वें घर में। ठीक है, ये इच्छा को, डिजायर को फुलफिल करने का ये 3 स्टेप गया हुआ है। और जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में एकादशेश यानी 11वें घर के स्वामी की दशा चलती है, तो वो व्यक्ति जाने अनजाने अपने कोई भी उनके उस मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डिजायर, चाहे वो कहीं पर सप्रेस हुआ पड़ा हो या दिमाग में किसी कोने में कहीं पड़ा हुआ, काश मैं ऐसा कर लेती या कर लेता, वो 100% मौका देगा उस टाइम पीरियड के दौरान कि वो उसका विश पूरा हो। इसलिए हम लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब भी एकादशी की दशा चले, कि सिर्फ ऐसा मत हो कितना पैसा कमाएंगे, ये भी देखो कि तुम्हारा कोई भी मतलब बहुत डीपेस्ट सीक्रेट डिजायर भी अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो भी पूरा होने का बहुत ज्यादा चांसेस बन जाता है जब भी एकादशी की दशा चलती है, क्योंकि ये डिजायर को पूरा करता है, हर तरह की इच्छाओं को पूरा करता है, लाभ देता है। और ये यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठता है ना, वो सीधा सीधा समझ लो कि दुगना, डबल, यहाँ पर कुछ भी आता ना, ये सीधा डबल होता है, सीधा डबल। ठीक है, 11th हाउस समझ लो कि हर चीज को डबल करने वाली चीज। इसलिए रावण संहिता में लिखा हुआ है, जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सारे ग्रहों को पकड़ के एकादश भाव में रख दिया था, ताकि एक उस सारे ग्रहों का लाभ उसको मिले, यानी डबल उसको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो वो तो रावण का तो है ऐसा वो लिखा हुआ है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जाके सारे प्लैनेट को एक घर में घुसा दे। उसने क्या किया था कि वो वास्तु के थ्रू, वास्तु में एकादश भाव जो होता है वो पश्चिम भाव होता है, पश्चिम। ठीक है, और पश्चिम में हर चीज दुगना होता है, पश्चिम में अपने वास्तु में अगर आप कुछ भी रख देते हैं ना, वो सीधा डबल होता जाता। अगर आपका शू रैक है, तो आप में से कितने लोग देखेंगे आपका अगर शू रैक है, तो वहां पर ना हमेशा हर महीने 2 महीने में आप नए नए शूज खरीदते रहेंगे, और एक टाइम आएगा कि पूरा शू रैक डबल होके ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, अगर बुक्स रखते हैं तो बुक्स का ओवरफ्लो हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा में जो भी जाए या एकादश का जो भी प्लैनेट यहाँ बैठे, कोई भी प्लैनेट हो, तो वो हमेशा दुगना रिजल्ट देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। अब जाते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव क्या होता है? द्वादश भाव वो जगह है जहां पर हम अपने खर्चों को देखते हैं, हमारे सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये जो है 12वें घर से आते हैं। 12वां घर विदेश यात्रा का होता है, 12वां घर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस यानी आप कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या घर में बीमार पड़ेंगे। घर में बीमार पड़ना 6ठा घर देखा जाता है बीमारियों को, लेकिन बीमारियों का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। ठीक है, आपके घर बैठे तो कोई आके आपका इलाज करके देगा नहीं, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इसलिए हम 12वें घर को हम हॉस्पिटल भी देखते हैं कि आप की हालत मतलब घर में अगर खराब हो रही है तो आपको 12वें घर का सहारा लेना ही पड़ेगा। 12वां घर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी होता है, इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का पैसा जो आपको बाद में जाकर डबल हो, ट्रिपल हो, या उसका प्रॉफिट आपको मिले, या आप इन्फ्लेशन को मेंटेन कर पाए, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग हम लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हम जो है इन्फ्लेशन को बीट कर सकते। एक मिनट रुक जाइए, ये ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कर्जे, कर्ज जो है अकेले हम 12वें घर से नहीं देखते हैं, कर्ज 6ठे घर से भी आता है। ऋण जो है ना, रोग, ऋण और शत्रु कहते हैं, तो ऋण मतलब 6ठे घर से आता है। नुकसान, हाँ, 12वां घर नुकसान का भी होता है,
12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है, ठीक है। उसके बाद 12वां घर जो होता है आश्रम का होता है, या दूर दराज पहाड़ों का, मतलब आप कभी कभी घूमने जाते हैं ना, आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल एकांत में जाएं, ठीक है। तो 12वें घर में केतु आए, 12वें घर में शनि आए, तो ऐसे लोग ना कभी भी कोलाहल में या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं रहना पसंद करते, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ से निकलो, बचो। और भी और एक चीज देखेंगे, ऐसे लोग ना पैर में जूते नहीं पहनते, नंगे पैर उनको बहुत पसंद आते, बिना कुछ पहने हुए ना नंगे पैर बेयर फुट जो है वो घूमना पसंद करते। 12वां घर, अभी हम शरीर के अंगों के ऊपर भी आएंगे, तो 12वें घर वाला जो हिसाब है यहाँ पर, कि आपके मेनली खर्चों को, नुकसान को दिखाता है, आपके इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, यहाँ पर अनैतिक उपभोग को भी दिखाता है। 12वां घर अनैतिक उपभोग का मतलब है जो है बेड प्लेजर, यानी कि आपका शारीरिक संबंध कितने लोगों के साथ है या था, या विवाह के बाद पत्नी के साथ किस तरह का आपका शारीरिक संबंध, या उस तरह की चीजें ठीक ठाक रहेंगी नहीं रहेंगी, हम हमेशा 12वें घर से देखते हैं, क्योंकि ये सैया सुख भी है, सैया सुख कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका बेड है, बेडरूम कहा जाता है 12वें घर, ठीक है। अब आते हैं शरीर में, प्रथम भाव क्या होता है। प्रथम भाव को हम ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी कह लेते हैं, प्रथम भाव को हम ये फेस भी कहते हैं, खोपड़ा अपना, ये अपना जो मुखमंडल है ना, ये फर्स्ट हाउस है। इसके बाद जाते हैं सेकंड हाउस, सेकंड हाउस जो है वो हमारे कंधे होते हैं, दोनों शोल्डर, ठीक है, दोनों शोल्डर। फिर लेफ्ट वाला जो मतलब दूसरा घर जो है वो राइट आई कहलाता है, और 12वां घर वो लेफ्ट आई। अगर अगर आपका किसी भी तरह का क्रूर ग्रह या नेगेटिव प्लैनेट दूसरे घर में आके बैठ गया है, तो उस व्यक्ति के राइट आई में कोई ना कोई इश्यू आएगा। अगर 12th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई क्रूर ग्रह जैसे राहु और बृहस्पति बैठ जाए, तो उनके लेफ्ट आई में, या लेफ्ट आई से लेकर कान के एरिया तक में, यहाँ तक यहाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम उसको रहेगा, ठीक है। सेकेंड थर्ड हाउस जो आता है वो आता है आपके बाहों का, जिसको कहते हैं बाहुबल, पराक्रम, किसी भी व्यक्ति का पराक्रम देखने के लिए तीसरा घर देखते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, राजा लोग जब लड़ते थे, पहले तो इतना वो इतना आधुनिक मशीन नहीं था, आज के डेट में तो मशीनों से लड़ते हैं, पहले के टाइम में लोग युद्ध स्थल में जाकर मतलब दो हाथ करते थे, ठीक है। तो वहां से ये थर्ड हाउस का बाहुबल दिखता था कितना ज्यादा वो पावरफुल, जिस जैसे बाहुबल का यूज जो है यूपी में बहुत ज्यादा किया गया, एक टाइम था बाहुबलियों का राज हुआ करता था, तो पराक्रम जिसका ज्यादा है वही राज करेगा, इसलिए थर्ड हाउस जो है वो दिखाता है आपके बाहुबल को। इसके बाद आता है फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जो होता है ना वो आपका चेस्ट होता है, और थोड़ा सा अपर अपडोमिन, जो जो जैसे हम लोग जब पहला खाना निवाला जो खाते हैं, वो हमारे खाने वाले नली से जाते हुए अग्नाशय में जाता है, जिसको हम लोग पैनक्रिया बोलते हैं, पैनक्रियाटिक। तो पैनक्रियाज में जाके जब वो स्टोर होता है, वो फोर्थ हाउस हम लोग देखते हैं। तो पहला जो भी हम लोग खाना खाते हैं, वो पहला निवाला जहां तक जाता है, उन्हें अपर पेट, ऊपर वाला हिस्सा, वो फोर्थ हाउस में आता है। फिफ्थ हाउस जो आता है वो होता है आपका नाभि वाला एरिया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर का कुछ पार्ट, लीवर का मैक्सिमम का पार्ट नीचे वाला, स्प्लेन आ गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है पूरा, जिनका 5वां घर अगर किसी भी तरह के पृथ्वी राशि में आ जाता है, पृथ्वी अग्नि, अच्छा यहाँ पर कितने लोग पृथ्वी राशि, अग्नि राशि, जल राशि और वायु राशि के बारे में पता है, कितने लोगों को पता है ये बात, पता है अनुरा? हाँ सर मुझे पता है कि लिब्रा मेरी वायु राशि है, क्या सही है? नहीं हाँ सही, लेकिन कौन सी वायु हो, उसमें भी तो तीन तीन कैटेगरी है, वो नहीं पता, पता। ठीक है वो आएंगे उसमें बात करेंगे। तीन होता है, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, ठीक है उसमें आएंगे बाद में, पहले ये वाला थोड़ा सा समझ ले इस लेवल को, शरीर के कौन से अंग को हम लोग समझेंगे, ठीक। तो फिफ्थ हाउस जो है आपके पेट का है, मतलब डाइजेस्टिंग सिस्टम, जितना कौन सा खाना आप खा रहे हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, आपका डाइजेस्टिंग पावर कितना स्ट्रांग है, कहीं
कई लोग कहते हैं तो हम तो लोहे को चबा के खा जाए तो हजम हो जाए, हमारा पेट इतना स्ट्रांग है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो पानी भी पी लेना एसिडिटी हो जाता है, तो हाजमा जो है बहुत ही खराब है। तो फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी तरह तरीके से इफेक्टेड है। और आप देखेंगे कई लोग कह सर आप पृथ्वी तत्व का क्या बता रहे थे इसमें, अगर पृथ्वी तत्व हो तो? पृथ्वी तत्व अगर वहां पर आता है फिफ्थ हाउस में, तो उनका जो जठरा अग्नि होता है ना, मतलब स्टमक का जो पूरा सर्कुलेशन बहुत स्लो स्लो होता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सारी चीजें होती है। ओके इसलिए सर, पृथ्वी तत्व वालों को हमेशा मोटा अनाज खाना चाहिए। ठीक है, मतलब फुल ऑफ फाइबर वाला फूड लेना चाहिए। इसलिए फिफ्थ हाउस कहा जाता है ना, हम लोग कई बार इंग्लिश में लोग बोलते हैं माई गट सेल्स। गट गट होता है हमारा दूसरा ब्रेन, पहला ब्रेन ये, दूसरा ब्रेन ये। पेट अगर जिसका सबसे ठीक रहेगा उसका इंट्यूशन सुपर हाई होता है, सुपर। उसका ओरा जो है ना बिल्कुल बड़ा, मतलब आप लोग, मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग ओरा समझते हैं। ओरा क्या होता है, आपके बॉडी के एनर्जी को दर्शाता है। तो हर एक व्यक्ति का ओरा बहुत डल भी होता है कुछ व्यक्तियों का, कुछ व्यक्तियों का बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जिनका बहुत ज्यादा हाई होता है उनके पास हमेशा दूसरे लोग आकर्षित होंगे बात करने के लिए, उनके साथ रहने में सुकून मिलेगा। जिनका ओरा डम होगा या डल हो जाएगा वो हमेशा ना चुपचाप रहेंगे, चेहरे में किसी भी तरह का कोई तेज नहीं रहेगा, बहुत डलनेस रहेगा। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा, नेगेटिव बातें करेंगे ऐसे लोग, और दुनियादारी से भागते ही फिरते हैं कई बार, कि रहना नहीं है, इनके साथ बात नहीं करना, उनके साथ बात नहीं, मुंह छिपाते हुए फिरते। तो इसलिए ओरा का सही होना, पांचवा घर अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ओरा भी, ओरा का ब्राइटनेस भी उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद आता है छठा घर, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस होता है आपका लोअर अबडोमिनल, ठीक है, नीचे वाला पेट, नीचे वाला हिस्सा, जिसमें हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा हिस्सा, और अपना अपेंडिक्स आ जाता है, किडनीज आ जाते हैं। छठा घर अगर गड़बड़ है तो किडनी रिलेटेड इश्यू देता है। ठीक है, लोअर अबडोमिनल का हिस्सा। सातवां घर आता है हमारा, हमारा जो है जेनिटल्स, मेल फीमेल ऑर्गन्स को जो है साथ साथ में घर से देखते हैं। आठवां घर जो होता है इसको, ये होता है हमारा एनस, गुदा द्वार जिसको कहते हैं, जहां से हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। तो जिन लोगों को देखिएगा बबा सिर का इशू रहता है, उसके आठवें घर में मंगल शनि, मंगल राहु, या मंगल का कनेक्शन किसी न किसी दूसरे क्रूर ग्रह के साथ रहेगा। मंगल सूर्य का रहना उनको 100%, मतलब आंख बंद करके ये ब्लाइंड प्रिडिक्शन कि उसको बवासीर का ऑपरेशन होना ही होना। अगर बवासीर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे लोअर स्पाइनल कॉर्ड में कोई सर्जरी का होना, अष्टम का मंगल दे देता है। ठीक है, सर्जरी देता ही है। आठवें घर में मंगल रहे और यहाँ पे शनि देख ले, या शनि खुद बैठा रहे, या राहु की दृष्टि आ जाए, तो उसको सर्जरी होनी ही है, या फिर उसको कमर में इतना तगड़ा चोट लगेगा जिस वजह से वहां पर हड्डियों का, जिसको कहते हैं ना फ्रैक्चर हो जाना, कुछ ऐसी स्थिति बना देता है। नवे घर, नवा जो घर है वो हमारे थाइस को दिखाता है, थाइस। ठीक है, आपके पैर में कितना जोर है, पैर का सबसे इम्पोर्टेंट मसल है, देखो कितना साइंटिफिक है भी इसका जो नाइन्थ हाउस का कनेक्शन, सिर्फ देखना इतना डीप इसका मतलब कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ क्यों है। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस क्या है, हमारे पिता, मतलब हम जहाँ से आ रहे हैं, हमसे ठीक ऊपर वाला व्यक्ति। ठीक है, नवा घर हमारे बॉडी में पैर होता है, पैर का कौन सा बोन, फीमर बोन। पूरी कुंडली में नवा घर भाग्य को क्यों इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है तो सबसे पहले क्या पूछता है, गुरु जी मेरा भाग्य देखिए ना, मेरा भाग्य क्या कहता है, उनका वर्ड यही रहता है। आप मतलब, ये मैं पिछले 10 साल से नेट पे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ या कंसल्टेंसी ले रहा हूँ, एक ही सवाल रहता है सबसे पहला कि मेरा भाग्य क्या है, मेरे भाग्य में है क्या बताओ। कोई और किसी भाव के बारे में वो नहीं पूछ रहे, सीधा वो पूछते हैं मेरा नवम भाव बताओ, लगन वगन कुछ मत देखो, सीधा बोलते हैं मेरा नवम भाव बताओ, मेरा भाग्य बताओ। और उसका कनेक्शन देखो, हमारा थाई का जो हिस्सा है, ये थाई का हिस्से को कहा जाता है नाइन्थ, नवा घर, और उस थाई के हिस्से में जो बोन होता है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन होता है, बड़ा साइज, फीमर बोन कहते हैं। उसका कनेक्शन देखना मैं बताता हूँ, फीमर बोन में क्या होता है, हमारा बोन मैरो, ठीक
क्या होता है? बोन मैरो, वो बोन मैरो जिसके अंदर होते हैं स्टम सेल्स। स्टम सेल्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा मेडिकल उसके टर्म्स में जा रहा हूँ। स्टम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, बनता है, डिस्ट्रॉय होता है। खून जो है वो 2 या 3 दिन में रिप्लेस होता रहता है, सबसे जल्दी होता है, फास्ट। और सबसे लेट होता है हमारी हड्डियां, 8 महीने में रिप्लेस होती है। हर 6 से 8 महीने में हमारे बोन्स जो है, बोन के सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। और बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मसल्स का डिफरेंट डिफरेंट काम है। हार्ट का मसल 4 महीने में, 3 से 4 महीने में रिप्लेस होता है। इस तरह से पूरे बॉडी में हर एक बॉडी का सेल जो है वो रिप्लेस होता रहता है। तो कहाँ से आता है वो? फीमर बोन से आता है। अब देखो कनेक्शन, हम कहाँ से आए हैं? पिता से आए हैं। और हमारा जो अंदर का पूरा जो चल रहा है, जो भी बैलेंस किया हुआ है, वो हमारा फीमर बोन, नवा घर, हमारा भाग्य, ठीक है। तब देखा जाता है, आप देखिएगा, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उन लोगों का जिनका लोअर पार्ट, वैसे फीमेल्स का लोअर पार्ट ज्यादा भारी होता है, मेल्स का भी, जिन लोगों का थाई बहुत मजबूत दिखेगा आपको, थाईज बहुत तगड़े मस्कुलर दिखेंगे ना, आप देखेंगे उन लोगों के जीवन में है परेशानियां हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हाय तौबा नहीं मची है उनके जीवन में, वो छोटी मोटी परेशानियां। वो लोग बहुत आराम से इजीली जीते हैं और बहुत ही, जिसको कहते हैं, कामली जीते हैं। और हम लोग जब जिम जाते हैं, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या जो भी कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, सबसे पहले कहा जाता है कि थाई के पीछे मेहनत करो, थाईज अच्छे होने चाहिए। आप स्विमिंग कर लो, आपके थाई बहुत जरूरी है, पैर के बिना आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्रिकेट खेल लो, उस आउटडोर में तो जितने हैं सबके लिए थाई चाहिए, बिना थाई के आप खेल नहीं पाएंगे। तो हमारे बॉडी का जो कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और बहुत ज्यादा जो जिसका लिंक जो है हमारे कुंडली के साथ भी बना। और एक चीज बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये तंत्र से जुड़ा है। एक तंत्र में एक साधना होती है जिसको हम लोग कहते हैं पंचमुंडी, पंचमुंडी साधना, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें होता यह है कि ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, हुई थी, और वो किसी भी तरह से मर गई, मृत्यु को प्राप्त, या ऐसे साधक जिन्होंने समाधि ले ली, उनकी हड्डियों का भी कई बार प्रयोग करते, लेकिन महिलाओं की हड्डियों, क्योंकि तंत्र माँ काली का ही है, तो माँ काली की शक्तियों को पाने के लिए स्त्री का ही व्यवहार, स्त्री की हड्डियों का व्यवहार किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मुंडी मतलब सर, ये जो हमारा स्कल है, ये 5 होने चाहिए, और जिन जिस बॉडी का ये, मतलब ये स्कल निकाला है, उसी बॉडी से फीमर बोन चाहिए होता है, दो दोनों दो, दोनों पैर के। उसको आसन की तरह बिछाया जाता है, उसके ऊपर बैठा जाता है, और ठीक पैर के सामने 5 मुंडी होती है, फिर साधना होती है फीमर बोन को लेकर। तो उसमें क्या, उस साधना से क्या मिलता है? उस साधना से मिलता है, वो भी एक रास्ता है, वो भी एक रास्ता है आपके कुंडलियों को जागृत करने। तो पंचमुंडी साधना से क्या मिलता है? आपकी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति जो है बहुत तेजी से जागृत होती है, बहुत फास्ट होता है वो। जैसे कोई साधारण साधक जो किसी भी विद्या को पाकर, जैसे सात्विक विद्या को, मंत्रों की विद्या को पाकर साधना करता है, उसको अगर 10 साल में, या 5 साल में, या 1 साल में अगर टाइम उसको लगता है कुंडलिनी जागरण करने के लिए, तो जो तंत्र करते हैं उनको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, या 6 महीने में भी सिद्ध हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसे कर्म कैसे हैं और उसको किस तरह का गुरु मिला हुआ है। बहुत फास्ट होता है तंत्र में, एकदम झटके से होता है, सुपरसोनिक, ठीक है। तंत्र हम लोगों को कहा जाता है ना, तंत्र इज अ वेरी बैड थिंग, बहुत गलत है, काला जादू, ये वो नहीं है एक्चुअली। उसका इस्तेमाल लोगों ने उस तरह से किया है क्योंकि वो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, बाकी दूसरे उपायों से भी फास्ट देता है। तो नवे नवे घर का इतना इंपॉर्टेंस है कि सारा का सारा, जो समझ लो कि बेस है ना, शुरू जो है यहीं से हो रहा है, यहीं से शुरू और यहीं पर अंत की बात रह जाती है। और हर एक व्यक्ति जो भी आपके पास आएगा वो कहेगा मेरा भाग्य होगा। 10वां घर आ जाता है आपका घुटना, नीज, ठीक है। अब देखना, एक चीज बताता हूं, आज के डेट में
43% इंडिया में नी प्रॉब्लम है। 43% लोगों का, 140 करोड़ की जनसंख्या में 43% लोगों का नी का प्रॉब्लम है, घुटने का। किसी को नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, किसी का घुटना टूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, घुटने का प्रॉब्लम है। तो घुटने का प्रॉब्लम अगर कहा जाए कि अगर एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट में तो अगर चोट लगी वो अलग बात आ जाती है, लेकिन नॉर्मल आदमी को घुटने की समस्या आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इस व्यक्ति ने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा बोझ रख लिया है। मतलब ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप को अंदर ही अंदर ये एहसास दिलाता रहता है, मुझे सबके लिए करना है, मुझे अपना बेटे को भी देखना है, मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है, मुझे मेरे बहन के बच्चों को भी ठीक करना है, मेरे भाई के बच्चों को भी ठीक करना है, मतलब सारी दुनिया का बोझ मैं अपने कंधे में उठा के चला, वो वाली स्थिति होती है। इसलिए घुटनों का प्रॉब्लम होता है। जो लोग दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेकर बैठे रहते हैं, उनका 10th हाउस जो है वो खराब होने लग जाता है, जिस वजह से नी प्रॉब्लम आता है, घुटनों की समस्या आती है। और हम बाहर देख रहे होते हैं कि हाय मेरा घुटना इतना क्यों दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है भाई मेरे, और हम जाके डॉक्टर्स के पास पेन किलर और ये वो पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। अगर हम दिमाग से वो चीज निकाल दें कि मेरी जिम्मेदारी बस उतनी है जितना मुझे कर्तव्य करना है, बाकी का फल भगवान दे, आप फल को भी लेके बैठ गए, हाय हाय मेरा है, ये है, वो है, तो खत्म कहानी, फिर वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो 10वां घर जो है वो घुटने को दिखाता है, 11वां घर जो है आपके पिंगलियों को दिखाता है, काफ मसल। ठीक है, काफ मसल दौड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो मसल, स्पेशली कहें मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, वो 9th यानी थाई मसल और काफ मसल होते हैं। कूदना, छलांग लगाना, आप जैसे हम लोग शेयर मार्केट को देखते होंगे, शेयर मार्केट में क्या कहते हैं कि आज ये पर्टिकुलर काउंटर जो है वो 3 पॉइंट छलांग लगा गया, छलांग लगा गया, छलांग लगा में क्या होता है कि आपका पैसा दुगना होता है। तो हम छलांग कहाँ से लगाते हैं, हमारा अगर काफ मसल मजबूत नहीं है तो हम छलांग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए 11वां घर हर चीज को डबल करता है, बढ़ाता है, बढ़ोतरी करता है, छलांग लगाता है। जैसे हम अपने पैर से छलांग लगाते हैं, तो 11वां घर इसी लिए हमारे काफ मसल के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है। 12वां घर क्या है, 12वां घर जो है हमारा, हमारे फीट है, पैर का सबसे निचला वाला हिस्सा जो जो जहां पर जिससे हम लोग चलते हैं, जहां पे उंगलियां होती हैं, वो 12वां घर है। तो 12वें घर से हम कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, यात्राओं को कहा गया है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है बड़ी यात्रा और छोटी यात्रा, मतलब लंबी यात्राएं और छोटी यात्राएं। तो लंबी यात्राएं होती हैं 12वें घर से और छोटी यात्राएं होती हैं 3रे घर से, 3rd हाउस छोटी यात्राओं को देते हैं। ठीक है, तो पैर जो है, अगर जैसे कोई भी चीज आपके पैर के नीचे आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हाय टूट गया, हाय खराब हो गया, हाय रे नुकसान हो गया, कहते हैं ना। कोई भी चीज, अच्छी चीज, अगर खाने पीने के सामान आ जाए तो खत्म कहानी, हो तो गया, पैर के नीचे दब गया वो, मतलब नुकसान हो गया। कोई भी चीज हमारे बॉडी के बाहर के अंदर आ गया, उसका लॉस हो गया, तो हम जो है, हमारा पैर जो है हमें लॉस भी देता है, ये हमें यात्राएं भी देता है, विदेश जाने का मौका भी देता है। ठीक है, आयुर्वेद में या एक्यूपंचर में पैर का जो फीट है, तलवा, वहां पूरे बॉडी का पॉइंट होता है, स्टिमुलेशन पॉइंट होता है, जहां से स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है ना, और हम अपने बीमारी में इलाज करने के लिए कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल कनेक्शन भी 12वें घर से है और आपके पैरों का कनेक्शन भी 12वें घर से है, यानी आपके तलवे के नीचे जो है जो भी चीज रहती है, जैसे आप किस तरह के चप्पल पहनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक का चप्पल पहनेंगे तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी को झेलना पड़ेगा, अगर रबर का पहनते हैं तो उसका अलग इफेक्ट होता है, चमड़े का पहनते हैं उसका अलग इफेक्ट होता है, लकड़ी का पहनते हैं वो उसका अलग इफेक्ट होता है। इसलिए कहा जाता है, आजकल तो हम शहरों में रहते हैं लेकिन गाँव में आज भी लोग जो है बेयर फुट रहते हैं, नंगे पाँव क्यों रहते हैं, जमीन के नीचे से अपने पृथ्वी का हमेशा एक नेगेटिव आयंस का हमेशा डिस्चार्ज होता है, पृथ्वी जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा वो करती है, बाहर की ओर निकालती है, और जिसकी वजह से जो है पृथ्वी
पृथ्वी में पेड़ जो है वो ऊपर की ओर उठते हैं सीधे। कभी किसी पेड़ को देखा कि जमीन पर लेटते हुए? लताओं को देखा होगा, क्योंकि उनका आधार नहीं होता, उनके पास कोई स्ट्रांग चीज नहीं होती। लेकिन पेड़ पौधे हमेशा सीधा ऊपर की ओर उठते हैं, बिकॉज ऑफ मिट्टी जो हमारी पृथ्वी है, हमारे लिए जो धरातल है, हमारी जो माता है, वो बाहर की ओर थ्रस्ट देती है, हमेशा हर एक पॉइंट में थ्रस्ट देती है। और आकाश जो है वो फोटोन की वर्षा करता है, ऊपर से फोटोन्स आते हैं, और फोटोन्स और नीचे के थ्रस्ट से मिलकर फिर ये जो है पृथ्वी का जो ऊपर का जो लेयर है, यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिखती हैं, वो जो भी जीवित चीजें दिखती हैं, उसका रिजल्ट है पृथ्वी और आकाश का मिक्सचर। ठीक है, तो 12वें घर का पैर का जो हमारा तलवा जो हिस्सा है, जब हम बेयर फुट कभी भी किसी मिट्टी पे चलते हैं, स्पेशली घास वाली मिट्टी पे चलते हैं, तो हमारे बॉडी को जो है जितना भी हमारे बॉडी का नेगेटिव पार्ट है वो धीरे 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 रिलीज होता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर ओस की बूंदे जहां पर जिस घास के ऊपर पड़ी रहे वहां पर चलना चाहिए, वो बहुत सारी बीमारी का इलाज कर देता है, बहुत सारी बीमारियों, जिनको आंख से संबंधित समस्या है, जिनको डायबिटीज है, जिनको पैनक्रियाटाइटिस है, ठीक है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ना सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक अगर ओस की बूंदों के ऊपर चला जाए तो उससे बड़ी औषधि और कुछ नहीं होती, जबरदस्त और जबरदस्त उपाय होता है वो। ठीक सर है, एक डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, एक तो पूछना था फिर कौन सा हमें पहनना चाहिए, जैसे रबड़ क्या पहननी चाहिए पैरों में? क्योंकि पैरों में अगर कुछ अपने मतलब सेफ अगर चल के पहनना, मतलब सेफ करके पहनना हो, तो सबसे अच्छा कहा जाता है कि लकड़ियों का आता है खड़म, जिसको खड़म बोलते हैं ना, जी सर। और खड़म। सर एक जी सर और सर एक एक मैंने सुना था कि लाल किताब में बोलते हैं 6th हाउस में किसी का शुक्र हो तो वो पैर जमीन पे नहीं रखे, तो 6th हाउस में और 12th हाउस में भी अगर शुक्र हो तो उसको पैर जमीन पे नहीं रखना चाहिए। फिर वो नहीं कर सकता ना ऐसे। उसको अगर 12वें घर में कोई भी सॉफ्ट प्लैनेट बैठ जाए या सॉफ्ट प्लैनेट की दृष्टि हो, तो उसको हमेशा पैर को बचा के चलना चाहिए, कि उसका पैर का तलवा बहुत नरम होता है, कुछ ना कुछ चुभने का डर है। ओके सर, थैंक इसलिए कहते हैं यू सर। लाल किताब तो वैसे बेसिक हमारा अपना वैदिक से ही है, उसी से ही सब कुछ बना हुआ है। लाल किताब में एक्चुअली क्या है ना, बहुत स्ट्रेट कट फॉर्मूला है, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, उसमें आप कोई ज्यादा रिसर्च पे नहीं जाएंगे, वो स्ट्रेट फॉर्मूला पे चलते काम करता है। मैं नहीं बोलूंगा कि उसको फेंकने वाली चीज है, वो बहुत बहुत काम करता है, बहुत जगहों पे एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देता है, उपाय बहुत तगड़े काम करते हैं उसमें, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ओके लेकिन सर, हम सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम और डिटेल में जाएं, और डिटेल में समझें, विस्तार से समझें, ताकि आपको प्रिडिक्शन जब आप करें तो प्रिडिक्शन करते वक्त आपको सोचना ना पड़े, वो ऑटोमेटेड है। ठीक है, अच्छा, इन सबसे ऊपर जो भी मैंने अभी सिखाया, इन सबसे ऊपर आप सबके लिए, जो लोग प्रिडिक्शन करना चाहते हैं और इस प्रोफेशन में बहुत सीरियस है, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें। सबसे पहला जो है वो है गायत्री मंत्र का पाठ जरूर 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 करें, उसके बिना प्रिडिक्शन नहीं आएगा, नहीं होगा। सब दिमाग में चलता रहेगा, कुंडली हाथ खोल में ऐसे बैठे रहेंगे, हाँ दिख तो रहा है कि हाँ ये इस भाव में है, लेकिन बोलना क्या है। अक्सर ये होता है ना आप लोगों के साथ, क्यों आशा जी, सरला जी, बोलना क्या है, ऐसे लगता है ना। जी सर, जी सर। और हाँ सर गायत्री हाँ मंत्र का पाठ कैसे किस टाइम करें, मतलब उसके भी कुछ रूल्स हैं? देखो रूल्स का ऐसा है ना, गायत्री मंत्र 3 टाइम पे किया जाता है, कहा जाता है 3 माला और 3 टाइम जरूर मेंटेन करें। सबसे पहला जब सूर्य उगता है, मतलब सुबह, यानी इसको कहा गया है गायत्री संध्या। ठीक है, गायत्री संध्या इसलिए क्योंकि जब सूर्य उगता है तो वो दिन और रात की संधि होती है, संधि के समय में करना चाहिए। पहला होता है सुबह, सूर्य सूर्य उदय के 2 घंटे पहले, 2 घंटे से लेकर सूर्य उदय के 40 मिनट तक आप गायत्री का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। दूसरा टाइम होता है दोपहर को, यानी पहले पहर से जब दूसरा पहर कन्वर्ट होता है, यानी अगर आज के मॉडर्न टाइम को कहें तो 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच। ठीक है, तीसरा टाइम होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है, तो
तो सूर्यास्त होने के 1.5 घंटे पहले से लेकर सूर्य अस्त होने के आधे घंटे के बीच में आपको गायत्री करना, ये 3 टाइम मुख्य रूप से कहा गया है। सूर्य अस्त हो जाने के बाद गायत्री नहीं करना, ठीक है? क्योंकि गायत्री जो है वो एक्चुअली हम हमारे जो ना उसमें सवितुर है, सवितुर कौन है? सूर्य। हम सूर्य का आह्वान करते हैं और सूर्य से ही हमें सबसे ज्यादा बल मिलता है, वो ऊर्जा का सोर्स है, वो हर एक हमारे अंदर जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स वही है, वहीं से सारा आता है और वहीं से सबसे ज्यादा फोटॉन्स ग्रहण होते हैं हमारे बॉडी। हाँ बोलिए। सर, इसकी माला करनी है गायत्री? इसकी कितनी माला करनी है? सुबह दोपहर शाम एक एक माला, 108 108 ओके रुद्राक्ष के माला में करें तो सबसे अच्छा। अगर रुद्राक्ष नहीं कर रहे हैं तो उंगलियों में भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें, ठीक है? यस सर। सेकंड, या तो विष्णु सहस्र नाम सुनिए, अगर नहीं पॉसिबल हो सकता है, अगर विष्णु सहस्र नाम पाठ कर सकती हैं, बड़ा सिंपल तरीका यह है कि आप अपने फोन में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगाइए और साथ में हाथ में विष्णु सहस्र नाम की किताब ले लीजिए, वो जैसे जैसे वहां चल रहा हो और वैसे वैसे आप श्लोक को भी पढ़ते जाइए तो उससे बहुत जल्दी याद होता है, 1 हफ्ते में आप बोलना सीख जाते हैं, फिर आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ती, आप सुनते रहते हैं वो मन में चलता है। अगर ये करने का समय नहीं है आप लोगों के पास, आसान तरीका बताता हूँ, एक माला ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका एक माला जरूर कीजिए, क्योंकि 9 के 9 ग्रह और ये पूरा जो मंडल है, ठीक है, ये विष्णु जी के अवतार है, ठीक है? तो अवतारों के साथ जब कनेक्शन अच्छा बन जाता है तो चीजें जो है बहुत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत एक लेवल की हो जाती है। सर, एक विष्णु माला सहस्त्र नाम को पढ़ने का कोई टाइमिंग? विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने का टाइमिंग सुबह करें तो सबसे अच्छा, नहीं मिलता तो शाम को भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर, एक सवाल था मेरा। हेलो हाँ सर बोलिए, पूछिए पूछिए। सर, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने सुना भी है कि काफी बार चार्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके बाद बहुत हैवीनेस हो जाता है। यस यस, होता है ना, होगा ना। इट्स वैसे उसमें, मतलब मैं दूसरे मोडालिटीज भी करती हूँ और उसमें प्रोटेक्शन के साथ करती हूँ, तो उसमें इतना ज्यादा होता नहीं है मुझे। लेकिन जब मैं चार्ट, मैंने एक दो बार अभी रिसेंट पास में किसी का देखा, तो उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। नहीं, क्या होता है ना, देखिए दूसरे मोडालिटीज में आप जितना ज्यादा इफेक्ट कुंडली देखने में जाता है, मतलब जितने ज्यादा एनर्जी लगती है, दूसरे मोडालिटीज में उतना नहीं लगता, कुंडली में बहुत एंगल्स है, बहुत, बाकी मोडालिटीज में बहुत स्ट्रेट फॉर्मूलाज, ठीक है? कि आपको देखना है बोलना, देखना है बोलना, वो जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाता है, इसमें भी प्रैक्टिस करने से आ जाता है, लेकिन इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा है। एक सबसे पहला वो, दूसरा कि क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट प्लैनेट्स को डील कर रहे हैं, है ना, और हम 360 डिग्री को डील कर रहे हैं, जो पृथ्वी के अराउंड 360 डिग्री बना हुआ है, जितने भी सेलेस्टियल पॉइंट्स हैं, मतलब राशियां जो बनी हुई है, उसको डील कर रहे हैं, वो एक बहुत वास्ट है, बहुत, मतलब जिसका पैरामीटर हम लोग कहते हैं लाइट ईयर्स में गिनते हैं, नक्षत्रों को लाइट ईयर्स में गिनते हैं, करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स है, अब लगाओ जब जो करोड़ों अरबों लाइट ईयर दूर है उसमें भी हमें प्रभाव दे रहा है तो कितना बड़ा है, ठीक है? इसीलिए गायत्री का करना क्यों मतलब मैंडेटरी कहा गया है, गायत्री मंत्र करने से आकाशिक तत्व का जो है ना, मतलब जो ऊपर से हमें हमेशा 24 घंटे रिसीव होता है, उसका फ्लो बहुत आपके दिमाग की ओर पिन पॉइंटेड हो जाता है, ऐसे सीधा यहीं पर आता है, वो एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, गायत्री पढ़ते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उसको रिसीव करने लग जाता है और हमारा सहस्रार खुल जाता है, इस तरह से ओपन रहता है गायत्री करने से। तो उसमें आपको, आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया, जो भी बुक्स पढ़ी हैं, जो भी क्लासेस किए हैं, वो कहीं ना कहीं तो ब्रेन में छिपा हुआ है, अगर आप गायत्री नहीं कर रहे हैं तो एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा करेंगी बहुत ज्यादा एनर्जी लूज हो गया ऐसा लगेगा,
अगर गायत्री कर रही है तो एफर्ट नहीं लगेगा। सर मैं करती हूँ गायत्री मंत्र तो, मैं वैसे मैं बचपन से करती हूँ, पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बट ये जस्ट ऐसे होता है ना, एक आत्मज्ञान होता है जो पहले से ही, मतलब ना मैंने कभी सीखा था ये बचपन में, क्योंकि मेरे फैमिली में ये किसी ने भी इतना, कोई भी इतना ज्यादा फॉलोअर नहीं है इन सब चीजों का, तो मैं ऐसे ही मैंने कहीं से स्कूल से या पता नहीं किसी फ्रेंड से सीखा था, सुना था, और मुझे ऐसे अपने आप आ गया, तो मैं तब से ही करती हूँ गायत्री मंत्र का जब, और काफी दूसरी मोडालिटीज में मैं करती हूँ काम, लेकिन चार्ट पढ़ने के बाद मुझे बहुत ऐसा, मुझे ऐसा लगा अंदर से कहीं से लगा कि ऐसा तो नहीं कि उनका कार्मिक अकाउंट मैं ले रही हूँ। नहीं, इसलिए तो गायत्री करना है। जी किसी का कार्मिक अकाउंट तो ले ही रही हैं आप, वो तो है ही, वो तो आएगा ही। गायत्री इज अ तो बेसिकली हवन, गायत्री इसीलिए मतलब मैं होता है हवन करना, ठीक है। जी कैसा, जब हम लोग किसी भी यज्ञ में हवन में करते हैं ना, तो हमारा हमारी ये मुद्रा होती है, इसको कहता है अपान मुद्रा। इससे हम लोग कोई भी वस्तु उठा के स्वाहा करते हैं, ऐसा स्वाहा इससे, ठीक है। तो गायत्री जो है, जब हम गायत्री को मंत्र में गायत्री को जब हम आत्मसात करते जाते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो जो अग्नि है ना, वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है, बहुत ज्यादा। अग्नि तत्व और आकाश तत्व मिलके आपने जो भी दूसरे से कार्मिक अकाउंट खुद को लिया है, वो जल के भस्म होके फिर आकाश में मिल जाता है, इसलिए गायत्री करना होता है। और एक चीज बताता हूँ, गायत्री का रिजल्ट अगर लेना ना, तो आप लोगों को इनिशिएशन मतलब दीक्षा लेना थोड़ा सा जरूरी होता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आपको आता है, उसका मीनिंग भी आपको नेट पे मिल जाए, लेकिन जब आप किसी गुरु के थ्रू लेते हैं ना उसको, तो उस गुरु परंपरा में उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ रहता है, बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी। उसमें से जब एक डोज आपको मिल जाता है ना, इनिशिएशन जिसको हम कहते हैं दीक्षा, वो डोज जैसे मिलता है ना, तो अगर आपने दीक्षा लेने से पहले भी गायत्री मंत्र किए होंगे, उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलने लग जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि अगर आप दिल्ली वाले हैं सारे, तो एक बार हरिद्वार जाओ, वहां पर जो गायत्री समाज वाला अपना है, उनका बहुत सिंपल रूल है, जाइए, 2 दिन का उनका शिविर होता है दीक्षा का, दीक्षा लीजिए। सिर्फ मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, कई लोग परिव्राजक बनते हैं, परिव्राजक मतलब पूरा प्रोसेस को जानना, इंक्लूडिंग गायत्री हवन, और कुछ कुछ लोग सिर्फ गायत्री मंत्र लेने जाते हैं, मंत्र की दीक्षा नहीं। तो अगर आपने मंत्र की दीक्षा ले भी ली ना, तो आप देखिएगा आपका अकल्ट का जितना भी मॉड्यूलिटी है, जितना भी एनी कुछ भी, इंक्लूडिंग फेस रीडिंग भी हो, आप ऐसे ही देख के बोलने लगे, मतलब आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही कोई बोल रहा हो ऐसा होगा, ठीक है, इसलिए जरूरी। और अगर किसी को प्रॉब्लम है गायत्री करने के बाद ज्यादा, बहुत ज्यादा वो फील हो रहा है कि गुस्सा बढ़ जा रहा है, ये भी हो रहा है, तो फिर उन लोगों को रेगुलर ना करके इंटरवल में करना चाहिए, क्योंकि गायत्री कई बार अग्नि तत्व को बढ़ाता है। और इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र इसलिए मैंने बोला कि ये जो है ना, क्योंकि ये जो ग्रह जो है, ये भगवान विष्णु के अवतार है, तो इस मंत्र से क्या होता है, आपको उन ग्रहों के साथ अपना जो कनेक्शन है, या समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन है, तालमेल जो है, वो बिठाने में इजी हो जाता है, ठीक है। तो किसी प्लैनेट को देखकर, अरे गुरु पंचम में बैठा हुआ, अरे भाई अच्छा है, एक व्यक्ति बुद्धिमान होगा, लेकिन इसके इसका 2 मिसकैरेज हो जाएगा, इसके बाद फिर उसके बाद फिर तीसरा बच्चा सही रहेगा, या फिर पहला बच्चा आएगा, फिर बाकी का 2 मिसकैरेज हो जाएंगे, ऐसा कनेक्शन। बताओ, गुरु को, एक गुरु को कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिसकैरेज देगा, ये इंट्यूशन से आएगा, कई बार है, रिजल्ट्स हैं, कुछ ऐसे रिसर्च आते हैं। तो गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को नष्ट करते हैं, लेकिन गुरु जहां दृष्टि देते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना ऑटोमेटेड में आना लग जाएगा, फॉर्मूला तो आपको याद रहेंगे, एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट लगाना अभी पड़ रहा है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा डल फील होता है। आप एक काम करना, आपके लिए मैं छोटा सा उपाय बताते हैं, जब भी अपने डेस्क में जब भी आप चार्ट देखो ना, तो चार्ट बगल में हमेशा एक चांदी के ग्लास में पानी रखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग हीलिंग करते वक्त पानी रखते हैं कांच के ग्लास में, लेकिन जब भी कुंडली देख रही है तो चांदी के ग्लास में पानी रखा जाए, होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, पानी को थैंक यू बोलकर एक बार उसमें गायत्री मंत्र बोलकर फूंक देना और पी लेना उसे, ये तुरंत तुरंत इंस्टेंट फिर से एनर्जी आ जाएगी, वो डलनेस खत्म। लेकिन चांदी का ग्लास ही होना चाहिए, कुछ और नहीं।
अच्छा, इन्हें कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। थैंक यू सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल। सर। मैं जैसे ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये कोर्स ज्वाइन करूँ तो ठीक रहेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे किसी ने मेरे से एस्ट्रोलॉजी जो ज्वाइन कर रहा उसके लिए। हाँ बिल्कुल। इसमें जैसे आज मैंने आपको क्या बताया, प्रथम भाव, दूसरा भाव, मतलब यस सिर्फ बेसिक बताया, मतलब सबसे हाँ लोएस्ट वाला बेसिक बताया, ठीक है। इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें, आस्पेक्ट्स है, कहाँ से देख, कौन सा प्लैनेट कहाँ से देख रहा है, वो सारी आप इफेक्ट्स भी। मतलब प्रेडिक्शन सिखाएंगे एंड रेमेडी भी सिखाएंगे। रेमेडी तो वो निकल जाता है कभी कभी, रेमेडी का अलग से क्लास है हमारे, उसमें रिकॉर्डेड क्लास है, दो क्लासेस है, वो तो बात करते करते निकल जाता है, क्लास पढ़ाते पढ़ाते रेमेडी निकल जाता है। पर्टिकुलर अच्छा अगर रेमेडी पढ़ाने लग जाओ तो फिर सब लोग मेरा बताइए मेरा बताइए मेरा बताइए, खत्म क्लास। नहीं नहीं लाइक जैसे आप बोलेंगे कि फर्स्ट हाउस में ये है एंड वो उसका लॉर्ड जाके बैठ गया है फिफ्थ हाउस में या सिक्स हाउस में, लाइक दैट, तो इससे जो भी गड़बड़ हो रही है तो हाँ, ये कैसे ठीक हो कर सकते हैं अपन हाँ वो फ्लो ऐसे? में निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मतलब जो बेसिक रेमेडी है जो आप कर ले, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी नहीं बताऊंगा, इजी वाला रेमेडी बताऊंगा, जिस मतलब स्पेशलिस्ट को कहते हैं कार्मिक रेमेडीज, हाँ ठीक है। जैसे आपका लग्न लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाकर नीच का हो गया, लोएस्ट हाँ डिग्री में, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप बच्चों की, जैसे अगर ये होता है कौन से केस में, जब वृषभ लग्न है और पांचवें घर में यानी कन्या राशि में जाकर शुक्र नीच का हो गया, लोएस्ट डिग्री, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, छोटी कन्याओं को, जो हम लोग अष्टमी वाले दिन पूजा करते हैं, आप तो खैर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है भी तो भी चलेगा, आप छोटे मतलब कि 8 साल से छोटी कन्याओं को खिलाती रहें, खीर खिला दें, स्पेशली कहा जाता है खीर खिलाने के, शुक्र है, दूध और चावल को अच्छे से बनाकर अच्छा सा खीर छोटी कन्याओं को, बच्चियों को खिलाना चालू करें, उससे उससे बहुत अच्छा रेमेडी मिल जाता है। ऐसी रेमेडीज बताऊंगा, बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं, ओके मतलब कार्मिक जो आप लोग कर सके। वैसे तो और भी है, लेकिन और भी फिर वो ये लाओ वो लाओ, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो उतना में नहीं जाना है, आप जो इजीली कर सके वैसा वाला रेमेडी भी बताता चला जाओ, ताकि आप लोग क्या होगा ना, जब भी जैसे प्रथम भाव के लिए बता रहा हूँ कि प्रथम भाव अगर गड़बड़ है तो कौन से प्लांट की वजह से गड़बड़ है, और उस लग्न की कितने डिग्री क्यों कैसी स्थिति बनी है, वो क्यों गड़बड़ है, तो आप उस व्यक्ति को या आपकी कुंडली है तो आपको क्या करना चाहिए, इतना मैं बता दें, आप लिख लेना, ओके क्योंकि जो भी यहाँ मैं पढ़ाऊंगा ना उसका नोट्स बोल मैं बोलता रहूंगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी बातें हैं ये ऑब्जर्वेशन है, कुछ तो है, जैसे ये वाला बेसिक है, ये वाला फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है इसमें अभी स्क्रीन पे, ये बेसिक है, इसी फॉर्मेट के ऊपर ही सारी चीजें बैठेंगी, ठीक है। मेरे को इंटरेस्ट था तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, डीपली सीखा नहीं मैंने। इसमें आपको ना अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तो वो भी क्लियर होगा, प्लस आपको प्रिडिक्शन आ जाएगा, हाँ आप प्रेडिक्शन आना चाहिए सर, प्रेडिक्शन आ बिल्कुल जाएगा। वही इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजर के लिए वो सबसे बड़ा हथियार है, प्रिडिक्शन आना चाहिए। हाँ प्रॉपर कर पाए अपन ऐसा, यस यस बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम इन माय लाइफ, तो मैं करना चाहती हूँ उसको, हील करना चाहती हूँ। दिस इज पता ना, ये विद्या जो है ना, आपने विद्या को चूज नहीं किया, विद्या ने आपको चूज किया, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ में आपने इसको बहुत डीपली किया, जैसे अभी प्रिया जी बता रही थी, मेरे घर में कोई नहीं करता, सिर्फ मैं करती, कहीं दूर दूर तक कनेक्शन नहीं, तो अब इसका लाइक मतलब आपने प्रिया जी गायत्री का, मंत्र किए साहब। हाँ प्रिया जी का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है कहीं ना कहीं गायत्री से, तभी इस लाइफ में वो बहुत छोटे से ही शुरू हो गई। मेरा तो ब्लड में है, मतलब मेरा मेरे मेरे दो जनरेशन ने इसको नहीं प्रैक्टिस किया, उसके पहले जनरेशन तक था, मतलब मेरे दादाजी के पिताजी तक था, दादाजी ने और मेरे फादर ने उसको नहीं किया, आता उनको भी है, प्रैक्टिस नहीं किया, वो माय गवर्नमेंट जॉब में ग्रैंडचिल्ड्रन चले गए, तो मीन्स वो लोग गवर्नमेंट जॉब में रह गए तो उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में थी, रिटायर हुई, अब मौका मिला सीखने का। अभी तो है, यही तो गवर्नमेंट टाइम है, यही जॉब टाइम के टाइम पे मेरे साथ में बहुत सारे पंडित लोग थे, तो है। उनसे मैंने सीख थोड़ा बहुत सीखा हुआ था। बट देखो। सर आप तो बिलीव नहीं करोगे, मेरा जॉब प्रोफाइल तो कंप्लीटली डिफरेंट था। आई वॉज अ फ्लाइट अटेंडेंट बताओ
एंड आई स्टार्टेड हवा में कुछ, उड़ रही थी, हाँ, जमीन पे आ गई। मैंने इतने 15 सालों से मतलब आई वॉज फ्लाइंग, बट जब मैंने स्टार्ट किया फ्लाइट, तो मैं आपको एक बहुत क्विकली एक अपना टैरो का स्टोरी बताती हूँ, शेयर करती हूँ सबके साथ। तो आई वॉज फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, मैं इंटरनेशनल फ्लाइट अटेंडेंट थी, और न्यूयॉर्क में मेरा ले ओवर था 24 आवर्स का। तो जाते जाते एक शॉप पर मेरी नजर पड़ी, और वहां पर मैंने टैरो कार्ड्स देखे, और मुझे कुछ भी पता नहीं था ये टैरो कार्ड्स होते क्या, बट अंदर से मुझे ऐसा लगा कि ये बस मैं ले लूं, एंड आई जस्ट बॉट इट। और तब से मैं, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम आता लाइफ में, मैं अपने लिए शफल करती कार्ड्स और मैं उसको फॉलो करती। उसके बाद फिर वो सर्कुलेट होता गया मेरे फ्रेंड्स, फिर फैमिली, फिर लोगों के पास। सो आई डिड नॉट नो मच अबाउट इट, तो बट मैं आपकी इसमें बस आपकी आती कुंडली थी। में जुपिटर और केतु एक साथ है क्या? हाँ, ये सबसे बेस्ट ये है, मेरे ये मेरी देगा ही। पत्रिका में भी जुपिटर एंड केतु एक साथ है सर। और लग्नेश के साथ केतु का कनेक्शन टैरो कार्ड रीडर बनाता है, या लगन भाव में रहेगा। जी, लेकिन मैंने अपने अपने कुंडली पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है सर। सो आई एज रेशल जी सेड कि उनको बहुत जानना है अपने बारे में, तो मुझे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में। वेरी गुड वेरी गुड, तब आई तो आपके लिए ही वांट ये कोर्स है, समझ लो मजा आएगा इसमें, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके सर। सर और क्या क्या कंटेंट्स होंगे कोर्स के? जी देखो तो मैं वो स्लाइड दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मैटर। इसको स्टॉप कर देता हूँ, पहले स्लाइड ऑन कर देता हूँ, एक मिनट। ये हमारा हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है, गुरु जी के नाम, क्या हम कोर्स करेंगे। कोर्स का नाम है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस, और मैं इस कोर्स को कराऊंगा। इस कोर्स का कंटेंट देखिए, प्रिडिक्शन फ्रॉम सन, प्रिडिक्शन फ्रॉम मून, प्रिडिक्शन फ्रॉम मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, केतु, एंड 6 डे कुंडली प्रिडिक्शन। 6 डे कुंडली प्रिडिक्शन मतलब 6 डे यहाँ पर नहीं होगा एक्चुअली, कुंडली का होल जो सिनेरियो है, जितने भी राशि है, राशि का तत्व क्या है, राशि किस स्वभाव का है, फिर प्लैनेट जब कौन सा प्लैनेट वहां पर जाता है तो कितना इफेक्ट देता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे लिए कुंडली है, कुंडली का हम लोग जैसे यहाँ पर अभी मैंने जो ये दिखाया था, ये वाला ये, इसमें जो है ना, ये समझ लो कि एक तरह से ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, इसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट, ऐसी जगह है जो फ्लाइट है, मतलब आप एरोप्लेन में उड़ने वाला हिस्सा, कुछ ऐसी जगह है कि आपको थ्रू ट्रेन में जाना है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर और बस और ट्रेन दोनों यूज करना है, मतलब ये जस्ट मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसमें से ऐसे घर हैं, जैसे बता ही देता हूँ मैं, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये पूरा, ये जो है ना, इसको कहा जाता है केंद्र स्थान। ये समझ लो कि ये फ्लाइट है, यहाँ पे जो भी प्लानट है वो एकदम एक्सप्रेसली रिजल्ट देता है, एक्सप्रेस वे में। ठीक है, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो जो चर राशियां होती है वहां पर जो भी प्लानट जाता है वो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, द्रुतगामी कहते हैं उसे, फास्ट। ठीक है, दूसरा है स्थिर, स्थिर राशियां कौन सी है, स्थिर राशियां जो होती हैं वो कैसा रिजल्ट देंगी, स्थिर राशियों में आ जाता है ये, मतलब जो ठीक
चर के बाद वाला, एक ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, यानी चर राशियों के बाद वाली राशियां सब स्थिर राशियां। स्थिर राशियां कौन सी? जो जमीन पकड़ के चले, जैसे ट्रेन चल रही हो या कोई भी गाड़ी चल रही हो, ठीक है। और उसके बाद वाली जितनी राशियां हैं, स्थिर के नेक्स्ट घर वाला जितना है, 1, 2, 3 और ये 4, इसको कहते हैं द्वि स्वभाव। यानी इसमें 15 डिग्री फास्ट है और 15 डिग्री स्लो है, ठीक है। तो अब इन सारे 12 जगहों पर कौन सा प्लैनेट जब रहेगा, बैठेगा या दृष्टि देगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्लैनेट्स को मैंने यहाँ पर हमारे स्लाइड पे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, प्लैनेट्स को हमने इसलिए किया गया क्योंकि जो जो मैंने अभी आज आपको दिखाया, थोड़ा सा जो ओवरव्यू दिखाया, वो सिर्फ एकदम बेसिक वाला है। तो प्लैनेट्स को जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो प्लैनेट को लग्न मानना पड़ता है, उसको सेंटर पॉइंट मानना पड़ता है। फिर उससे कितनी दूरी पे कौन सा प्लैनेट है, उसका आस्पेक्ट कौन से घर में पड़ रहा है, उसका एक अलग से प्रिडिक्शन बनता है। वो प्रिडिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप जैसे सिखाते हैं ये सपोज, सब इसमें? जी, जी ओके okay. ये सब रहेगा इस पर। इसलिए तो इतना लंबा कोर्स है ना, 2 महीने लगता है इसमें। मतलब इसमें कैसा होगा कि मैंने इंटरप्ट किया, आप कंटिन्यू करिएगा आप हाँ, जो नहीं बोल नहीं रहे थे। नहीं सब ध्यान। तो ये जो है ना, प्लैनेट वाइज जब हम किसी प्लैनेट को सेंटर बनाकर फिर उससे बाकी जगहों को देखते हैं, तो फिर उसका इफेक्ट, उसका कनेक्शन कितना मिलेगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा में, आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे या किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, वो सारी बातें जो है हम इस कुंडली से और ये प्रेडिक्टिव वाले इसमें से पढ़ेंगे। क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, ये होगा ठीक सैटरडेज एंड संडेज, दोपहर 2 बजे, ठीक है। 2 से 4 का होता है, वैसे 2 से 3:30 का होता है या 3:15 तक होता है, डिपेंड ऑन आप कितना ज्यादा ले पाते हैं, आपका मतलब जो ऊपर, सबसे ऊपर जो हमारा मुंडी है वो कितना ज्यादा एक्सेप्ट करता है चीजों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यशस्वी जी, मैं इसको खत्म करके फिर आपका लेता हूँ, आपने हैंड रेज किया है, ठीक है। सैटरडेज एंड संडेज पढ़ेंगे, 2 मंथ का कोर्स होगा, ऑल लाइव लाइव क्लास सेशन होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जिसमें प्रैक्टिकल केस स्टडी में सबसे पहले आप लोगों की कुंडली ही देखी जाएगी, उसके बाद हम बाहर के लोगों को या फेमस लोगों की कुंडली को लाएंगे, लेकिन सबसे पहले जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी कुंडली को इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट, जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका तो है बेनिफिट्स, और उसको जो इसके बाद इसमें जुड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस सर्टिफिकेशन मिलेगा, रिपीट फ्री वंस। इसके बाद दोबारा जब इस कोर्स को कराया जाएगा, तो आप दोबारा एज अ फ्री मेंबर जो है उसको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्टडी नोट्स जो है, मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा, जो मेरे जैसे लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर देते वक्त जो पॉइंट मैं लिखने के लिए बोलूंगा आपको लिखना पड़ेगा, ये है स्टडी नोट्स, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन वाला क्लास है, ये वो वाला क्लास नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेट पकड़ा देता हूँ, आप ले पकड़ो, आप देख लो, हो गया, नहीं ऐसे नहीं। ये प्रैक्टिकल चीजों को अप्लाई करते हुए समझाना, ठीक है ना। फिर 18 लाइव क्लासेस होगा, जूम रिकॉर्डिंग, 2 ईयर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब 2 साल तक आपको जूम रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। दो दो साल के बाद वो जो लिंक हम लोग रखते हैं वो एक्सपायर हो जाता है, 2 साल तक आपको इस पूरा इसका बैकअप मिलेगा। और इसका जो पेमेंट है न्यू पार्टिसिपेंट के लिए है 4,214 रुपये, जो डिस्काउंट के बाद 3,158 होता है, और एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी दूसरे कोर्स कर रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट होकर 2,685 है। और अगर चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर 2 अकाउंट नंबर है, जिस दोनों में से किसी में भी आप पेमेंट कीजिए, या ये जो है नंबर, मोबाइल नंबर है, इसमें भी आप लोग पेटीएम या फोन पे या गूगल पे जो भी करना है इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ऑलरेडी करना रेकी एंड वास्तु कर रही हूँ सर। अच्छा, आप कर रही हैं यहाँ से, वेरी गुड वेरी गुड, अब तो और भी अच्छी। सर सॉरी, कब से स्टार्ट हो रही है ये शायद डेट? मई के 10 के बाद होगा, वो वाला फाइनल नहीं हुआ, वो थोड़ा सा शेड्यूल चेक करने के बाद, आप जैसे जैसे आप ज्वाइन करेंगी तो व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगा, वो शेड्यूल कम से स्टार्ट होगा, 10 के बाद होगा सर? 10 के बाद ही, पहले ओके भी हो सकता है। अभी वो शेड्यूल देखकर हमारे जो शेड्यूल मेंटेन करती है ना, वो उनसे बात करके मैं अपडेट दिलवा दूंगा आप सब, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर गायत्री लीजिए। मंत्र का लाइक सर हाँ
मुझे तो सीखना पड़ेगा, आई डोंट, मतलब मेरे को पता है गायत्री मंत्र होता है, ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं अमंग ऑल दीज पीपल रही हूँ, साथ में हाँ ब्राह्मण्स ऑल हिंदूज हाँ मोस्टली, तो अब उसको कैसे सीखना पड़ेगा, जैसे आप बोले इट इज अ आप कहाँ मस्ट, रहती हैं? मैं बॉम्बे रहती हूँ सर। मुंबई में गायत्री केंद्र है, आप एक बार नेट पे सर्च करना, जी गायत्री परिवार सर्च करना, गायत्री परिवार सेंटर इन मुंबई। ओके, मुंबई में कहाँ रहती हैं आप? थोड़ा मीरा रोड, सा दूर हो गया। माहिम में एक है, माहिम ईस्ट में, और ठाणे में एक है सेंटर से। तो मीरा रोड में भी गायत्री होना चाहिए। मंत्र, मीरा रोड नहीं, एक्चुअली मीरा रोड और ठाणे के बीच में है वो कहीं पे। उनका बहुत अच्छा सा है, आश्रम टाइप बना हुआ। मैं वैसे हूँ एमपी की, अभी आफ्टर रिटायरमेंट आई एम स्टेइंग हियर, तो गायत्री मंदिर जैसे रहता है वहां पे भी देते हैं वो लोग? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। गायत्री मंदिर जहाँ पर है, मतलब गायत्री परिवार का ही वो मंदिर है नॉर्मली, जी और जी इंडिया में कोई दूसरा मेंटेन नहीं करता गायत्री हाँ मंदिर। हाँ हाँ नहीं हाँ वो जैसे मैं जहाँ की हूँ वहां तो पास में है। जी एमपी में, वेरी गुड। एक बार आप वहाँ पर जो भी आचार्य है उनसे बात कर लेना, क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या करना है, ठीक है? एक बार इनिशिएशन लेना बहुत जरूरी है, लेने से बहुत अच्छा रहता है। ओके, यस यशस्वी जी बोलिए, पूछिए क्या पूछते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट मेरे को आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एस्ट्रोलॉजी में, तो फिर मतलब मुझे क्या सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब बेसिक्स मतलब कुछ नहीं पता, एज सच नॉलेज नहीं है देखिए, इस पे। हाँ तो एज सच अगर कुछ भी जीरो का नॉलेज है तो हमारा एक बेसिक वाला कोर्स है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है? रिकॉर्डेड मिलेगा वो आपको, उसको लीजिए। उसके साथ साथ इसको करेंगी तो साइमल्टेनियसली हो जाएगी। तो मतलब इस कोर्स में बेसिक्स कवर होंगे या फिर ये बेसिक्स कवर एडवांस होंगे, है नहीं मैं थोड़ा? कवर करूंगा, लेकिन क्या होता ना, एकदम जो बिगनर्स है उनको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जैसे रेचल जी हैं, रेचल जी कह रही कि उन्होंने थोड़ी बहुत चर्चा की है, थोड़ा बहुत पता है उनको। प्रिडिक्शन करना नहीं आता, ग्रह के बारे में पता है, राशि के बारे में पता है, कैसे क्या काम होता है वो पता है, लेकिन कैसे उसको मिला के बोलते हैं वो नहीं पता है। तो हाँ, उसके लाइक वो वाला अच्छा किसी है। किसी घर में जाके कौन सा स्टार बैठ गया है तो उससे हाँ क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या राइट। इफेक्ट आ रहा है, वो नहीं आता मेरे को। हाँ अब जैसे यशस्वी जी कह रही है पूरा जीरो है, तो उनको स्टार ही क्या है वो नहीं पता है। नहीं थोड़ा बहुत, हाँ लाइक थोड़ा बहुत पता है कि लाइक हाउसेस क्या क्या होते हैं, कितनी राशिज होती है, उसका लॉर्ड कौन सा होता है, लाइक मैं केपी भी सीख रही हूँ यहाँ पे, तब तो कोई इश्यू नहीं है। केपी बट मुझे सीख रही है वैसे, ना? बट वो भी इतना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे बेसिक्स नहीं पता है एज सच, मैंने खुद ही सीखेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, चलिए आप तब एक काम करना ना, अच्छा एकदम एकदम बेसिक का भी एक कोर्स है, राजीव सर का कोर्स है वो, एकदम ओके, बेसिक है एकदम। मतलब सन से क्या क्या हम देख सकते हैं, मून से क्या क्या देख सकते हैं, वो एकदम एकदम लो लेवल का कोर्स, एकदम सबसे ज्यादा शुरुआत। वो वाला कोर्स भी 2 महीने वाला ही है, मतलब रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। वो वाला करो और साथ में ये वाला करो। अभी तो खैर टाइम है इसका, जब टाइमिंग 10 तारीख को या उससे पहले कब हो रहा है, तो उससे पहले अगर वो वाला भी सीख लो ना, अगर नहीं भी उसमें आ रहा है तो आप यूट्यूब में भी देखोगे तो आपको बेसिक चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हाँ मतलब YouTube से ही सीखा है मैंने थोड़ा बहुत, जो हाँ बेसिक सीखा है। मुझे लगता है वो कर, अगर बेसिक थोड़ा बहुत भी जो भी राशियों के बारे में पता है, प्लैनेट्स के बारे में पता है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक कोई है दिक्कत सर, नहीं होगा इसमें। ठीक है। और सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे कि अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कि एज वाइज की इतनी एज में सीखना चाहिए कुछ भी नहीं ऐसा? मैंने 13 साल से चालू किया था, बताओ। नोबडी, मेरा कोई गुरु ही नहीं था। मैंने मुझे पता क्या हुआ था, मुझे न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़ने में बड़ा मजा आता था। उस टाइम पे पेपर ही हुआ करता था, नेट नहीं था। राशिफल में बड़ा मजा आता था, अरे भाई देखो 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 कौन सी राशि निकल गया। मैं मुझे पता था मेरी कुंडली में कन्या राशि है, तो कन्या राशि में देखता था हमेशा, हर रोज देखना, तो वो एडिक्शन था और देखने का। उस टाइम पे मेरे घर में पेपर नहीं आता, मेरे पड़ोस में आता था। मेरा सुबह का पहला ही काम जाके वही था कि राशिफल देख लो। 14वें साल में मुझे एक किताब मिली थी, कौन सी किताब, सेकंड हैंड वाली, जो बुक वाली जो बेचते नहीं है सेकंड हैंड वाली। तो हाँ मैं कुछ जी, अपने क्लास के लिए, 11th के लिए कॉमर्स की किताब लेने गया था, तो वहां पर राशिफल की किताब मिली थी, बहुत छोटी सी, बहुत बेसिक, एकदम बेसिक। मैंने सिर्फ एक बार उसको पढ़ा, एक बार पढ़ा सिर्फ, ठीक है? रीडिंग, दिमाग लगा के नहीं, रीडिंग, सिर्फ पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। मैंने बोला ये तो आसान है यार, ये तो मेरे से हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरे सारे दोस्तों के डेट ऑफ बर्थ लेके ना निकालना चालू किया। एफएमआर, उस टाइम पे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कुछ नहीं था, एफएमआरईज आते थे, एफएमआरईज इतने मोटे मोटे होते थे, हर साल के इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े एफएमआरईज आते थे,
जिसमें ग्रहों का ग्रहों की डिग्री राशि टाइमिंग ये लिखा रहता, वो जैसे हम लोग लॉग मेंटेन करते हैं ना, लॉग की तरह होता है वो, स्टैटिस्टिक पढ़ा ही होगा आपने, स्टैटिस्टिक की तरह होता है। तो लॉग से हम लोग देख देख के मैं पूरा निकाल के कुंडली बना के, मतलब जिसको हैंड रिटन बोलते हैं, वो निकाल के फिर मैं प्रिडिक्शन भी बोल देता था सिर्फ एक बेसिक किताब पढ़ के। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ये विद्या ने, आपने विद्या को जाकर नहीं चुना, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए नहीं चुना, आपने इसको किया है बहुत ज्यादा तभी वो इंटरेस्ट जगा है। और एकमात्र अकल्ट की एकमात्र ये विद्या है जो जन्म जन्मांतर से आएगा, वो इस जन्म में ऐसे ही नहीं आ जाएगा, आपने बहुत प्रैक्टिस किया है। वो जब 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 मैं आपकी कुंडली देखूंगा ना, कुंडली में पास्ट लाइफ कहाँ से देखते हैं वो भी मैं बता दूंगा, वो थोड़ा सा बहुत एडवांस लेवल पे चला जाता है। पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था जिस वजह से इस लाइफ में ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, ये भी कुंडली बता देती है। नेक्स्ट लाइफ में आप क्या करने वाली है वो भी कुंडली बता देती है, उसका भी एक अलग डिफरेंट एंगल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाने वाला। मतलब मुझे तो बहुत आता है, बाकी आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। जैसे नहीं आशा जी तो सिखाएंगे, देखिए, वो तो पहले ही कोर्स में मुझसे कह रही थी आप जो भी कराए मैं करूंगी, नहीं सरला जी भी। सिखाएंगे आप, ये हाँ, बताएंगे आप, ये देखना सिखाएंगे आप अगर आप क्लास। ये, अगर आप प्रिडिक्शन सीख जाएंगे तो वो भी सीख जाएंगे, ठीक ओके, है, वो एडवांस लेवल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल, लेकिन आप प्रिडिक्शन बताएंगे आना चाहिए पहले। तो सही ना सर इसमें। हाँ, वो फ्लो में मैं बता दूंगा, वो अलग बात है, ओके ओके, ये पार्ट नहीं है, मतलब इस हाँ कोर्स का हाँ ये हाँ पार्ट नहीं है, हाँ फ्लो में हाँ निकल जाएगा वो। सर अभी आप एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे, आपने हाँ, बताया कि अगर जुपिटर और केतु एक साथ होता है तो क्या होता है मतलब। वो अब ये देखो, जुपिटर केतु कनेक्शन कहता है जीव और केतु, ठीक है। जुपिटर इज क्या, ज्ञान का दाता है, ठीक है, समझदार प्लैनेट है, विजडम, और उसको बाहरी जगत की शांति से जगह ज्यादा इनर पीस को वैल्यू देता है वो, ठीक है, संतुष्ट प्लैनेट जिसको कहते हैं ना, जो सब कुछ दे सकता है आपको, सबसे पहली चीज देता है वो है अंतर की शांति, अंदर की शांति, जिसको कहते हैं इनर पीस। और केतु क्या है, जिसका हेड नहीं है, मतलब केतु लॉजिक नहीं लगा पाता, जीरो लॉजिक ही, मतलब केतु ओनली फील्स, उसको जो फीलिंग होती है ना उस पे वो सारी चीजें जज करता है। तो केतु जी के धड़ के ऊपर अगर बृहस्पति को बैठा दिया जाए तो क्या हुआ, विजडम प्लस फीलिंग मिलके क्या हुआ, ये देव तत्व बना देता है, व्यक्ति देव जैसा व्यवहार करता है, या ऐसे लोग अकल्ट की ओर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अकल्ट की ओर इनका रुझान बढ़ जाता है, इसलिए बृहस्पति केतु आता है। लेकिन एक सबसे बड़ा इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, ऐसे लोगों को पानी से बचना चाहिए, अगर ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, चेस्ट कंजेशन बहुत करता है, चेस्ट में ना बहुत ज्यादा बलगम स्टोर करवा देता है, ये सबसे बचना चाहिए। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है, ये थोड़ा मेडिकल वाला एस्पेक्ट है, फिर भी फ्लो में निकल गया। ऐसे ही पढ़ोगे आप, फ्लो में बहुत सारी चीजें ऐसे ही निकल जाएंगे, निकलते जाएगा, और आपको सीखने भी समझ में भी आ जाएगा। अगर सर ये दोनों लगन में है तो उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि सेम ही रहता है। नहीं भाई, जो मैंने मीनिंग बताई है हाँ लगन का ही हाँ मीनिंग बताया, अच्छा ओके बाकी दूसरे दूसरे पार्ट में दूसरे मीनिंग आएगा, लेकिन लगन में अगर बृहस्पति केतु है तो ऐसा व्यक्ति अकल्ट में जाना है, जब तक वो जाएगा नहीं उसके अंदर शांति नहीं मिलेगी। अब दुनियादारी जो करना है कर लो, जब तक वो नहीं करोगे आपको शांति नहीं मिलेगी। नहीं, क्योंकि मेरे में है तो मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे। करो करो, केपी कर रहे हो साथ में, इसको भी समझोगे तो केपी और भी इजी हो जाएगा, और भी इजी हो जाएगा। केपी इज बेसिकली बहुत इंस्टेंटली उसका जैसे इवेंट प्रिडिक्शन बहुत अच्छा होता है, जैसे नाड़ी से भी, नाड़ी से तो और भी अच्छा होता है कि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का एरिया कैसा होगा, ठीक है। लेकिन उन सबको सीखने के लिए बेसिक प्रिडिक्शन आना बहुत जरूरी है, तभी उसमें प्रिडिक्शन में मजा आएगा। आप लोगों की कुंडली देख कर कुछ भी बोल सकते हो, वो बोले ना, अरे ये लिखा हुआ है क्या आपकी कुंडली में ऐसा, मतलब जब आप बहुत ज्यादा डूबते चले जाते हो ना तो चार्ट आते ही ना वो अपने आप ही इंट्यूशन बोलने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो प्रिडिक्शन फ्रॉम केतु भी है, केतु कहाँ बैठा हुआ है उसको केंद्र मानकर, उसको लगन मानकर, बाकी चीजों को देखकर प्रिडिक्शन ठीक है, तो सर आपके अकॉर्डिंग मुझे वो जो बेसिक वाला कोर्स पहले लेना चाहिए यहाँ से जो आप कह रहे थे। कर। हाँ, बेसिक वाला लेने से क्या होगा, बेसिक के साथ और ये प्रिडिक्शन वाला पार्ट एक साथ जब चलेगा ना तो आपको समझ में भी आएगा और मतलब जल्दी आप सीख पाएंगे चीजों, मतलब ठीक है सीखो इम्प्लीमेंट करो, सीखो इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ सीख सीख के स्टोर नहीं करना है, इम्प्लीमेंट भी करते जाना है, तभी उसका आपको रिजल्ट दिखेगा, तभी उस चीज को आप ज्यादा
आत्मसात हो पाएगा अंदर, जो है ना इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा, इंट्यूशन में वो सेव होता चला जाएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई सवाल? सर लीव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई ओके शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच। आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स, आई श्योर वांट श्योर, टू लर्न अ लॉट। आप लोग इसमें ये जो नंबर दिए गए इसमें आप कांटेक्ट करके कर लीजिए अपना, ठीक है। यस सर। सर नमस्ते डेट, गुरु जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ थैंक यू सर। मुझे भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं हाँ बेसिक कोर्स भी ले लूंगी उनकी रिकॉर्डिंग जो है, हाँ उसके बाद आप जब ये स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं भी ये कोर्स ज्वाइन कर लूंगी। सर अरे मैं मेरा आपको देख ही क्वेश्चन नहीं ये पा रहा था हूँ, कहाँ कौन से कि वाले, एक मिनट रुक जाऊँ, मैं आपको नहीं देख पा रहा। वाह वो फ्लाई, अच्छा इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले। हाँ 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 बोलो, आप बोलिए, हाँ, आप बोलिए। तो गुरु के साथ सूर्य बैठ गुरु के साथ सूर्य बैठा होता है तो क्या होता है, जैसे गुरु के साथ सूर्य अपने गुरु के। मतलब जीव और आत्मा, इसको कहते हैं जीव आत्मा योग। गुरु सूर्य एक साथ बैठता है तो वो व्यक्ति अपने वंश में दोबारा पैदा हुआ होता है। जैसे अगर आपका है ओके तो आपके फादर के ओके घर में आपने 2 या 3 जनरेशन के बाद वापस पैदा हुई है अपना कोई काम पूरा करने के लिए। ओके आपका अटैचमेंट अपने फादर के घर के लोगों से ज्यादा है, हाँ ऐसा है? हाँ वो तो है, फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। ठीक है, सीखो सीखो, बहुत जरूरी है ये ना। मतलब ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को ही समझने के लिए या दूसरों को प्रिडिक्शन देने के लिए कर रही हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज पता क्या होता है, जब आप ज्योतिष सीखने लग जाते हैं ना, तो सबसे पहले यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ, आप अपने आप से जुड़ती हैं, अपने आत्मा से जुड़ने 100% लग जाती हैं। धीरे धीरे क्या करता है यही एस्ट्रोलॉजी, आपके अंदर इतना ज्ञान भरता है कि आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं उसका लॉजिक समझ में आता है। तो जो जो आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया, अरे उसने मेरा खराब कर दिया, फलाने ने मेरा वो कर दिया, नेगेटिव बातों को ना एक्सेप्टेंस में बदल देता है, किसी ने कुछ नहीं करना किया। चाहूंगी सर, मेरे हाँ फोन जी पे बैटरी जाने वाली है। हाँ, आप बोलिए बोलिए। जादूगर, आप जादूगर हैं सर, अरे क्या आप बोल हर रहे एक शब्द जो है, मैंने जितने भी आपके किए हैं अटेंड, आपने हस्तरेखा से लेके कर्म पढ़ा, दिल में इतनी तसल्ली आ गई है। हम लोगों की जन्मतिथि नहीं है, तब भी हमें पता चल रहा है कि आपके ज्ञान से कि बहुत सी समस्याएं जो जीवन में थी अनासृष्टि थी, और उनको अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, और जी 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 हमें वो सब कर्म पाक में आपने सिखाया, इतना कुछ दे दिया कि वो पुस्तक ना होके पूरा एक जादू की छड़ी की तरह हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाली अरे और भाई हमारी समस्याओं का समाधान करने बहुत बहुत वाली। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाकई आप बहुत ग्रेट हैं सर। आपने अरे इतना नहीं, दिया है, सब प्रभु कृपा, प्रभु आप इतना कुछ दे देते हैं इतने छोटी सी उसमें, और इतना मतलब सब्जेक्ट के अलावा भी आप इतना कुछ हमारी झोली में डाल देते हैं कि वो भरी इच्छा जाती है। यस सर, थैंक वो यू फ्लो में सर। निकल जाता है। मैंने मैंने अपने गुरु से भी यही चीज सीखी है, जब वो पढ़ाते थे ना तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी कहीं से निकल के बोल जाते थे। तो कहते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्यों क्या होता है कि प्लैनेट जो है जो सुन रहा होता है ना, तो प्लैनेट चाहते हैं कि इसको इसका निवारण मिलना चाहिए, तो मेरे मुंह से निकल गया वो। अब जिसको चाहिए वो उसमें काम कर लेगा, ठीक है? मतलब सब जो है एक विधि का विधान है, उस तरह से ही सब कुछ बैठा हुआ है। अब देखिए पुष्पा जी हैं, पुष्पा जी भी केपी एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं, तो ये काफी अच्छा कर रही हैं। तो साथ साथ में वैदिक भी आ जाए तो केपी और वैदिक का जो समावेश है ना, इन मतलब दोनों एक साथ मिक्स होने के बाद आपका प्रोडिक्शन और भी अच्छा हो जाए, नेक्स्ट लेवल। हाँ देवकी जी, यस हाँ श्योर श्योर, सर, हाँ बताइए और बहुत कुछ अच्छा, पूछना। बहुत अच्छा बताया। मैं देखने इतनी ज्वाइन करूंगी, मेरा हेल्थ के हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है 3 साल से। ठीक तो आप आइएगा, तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप लोगों की कुंडली में ही सारे प्लैनेट्स को रखेंगे, जैसे मैंने अगर जैसे शुरू करना है सन से, तो सबकी कुंडली में डालेंगे, सबकी कुंडली में सन क्या कह रहा है, दूसरे प्लैनेट को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उसी से आप ओके सबसे पहले आप समझ पाएंगे कि आपके लाइफ में उस प्लैनेट ने आपको क्या दिया, ठीक है? उससे जितना ज्यादा आप क्लियर होती जाएंगी ना, आप दूसरों को भी उतने अच्छे से
प्रिडिक्शन कर पाएंगे और समझा पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे. पहले तो मुझे खुद का ही करना है सब, बाकी का तो बाद में करना है, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो बिल्कुल जाए, पहले अपना भला करने का, फिर बाद में सबका भला करना है। बिल्कुल. रोशनी जी बताइए, रोशनी कुमारी. हाँ हेलो सर, मुझे पूछना था कौन से ऐसे योग होते हैं जिससे आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? कौन से योग होते हैं आपको, आता है वैसे तो नहीं मैं मुझे नहीं बताऊंगा तो आता, मुझ मतलब फिर ऐसे कैसे कौन से बताऊं. योग योग तो मैं बता दूंगा अभी कि ये एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, लेकिन आपको हाँ आना चाहिए ना कि आप कौन से भाव में बैठेगा तो एस्ट्रोलॉजी देगा. तो मुझे आपको इंटरेस्ट तो है, पर ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूंगी तो मेरे भेजे में घुसने की मुझे समझ में आएगा कि नहीं, नहीं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपकी कुंडली में, कुंडली देखना अपना, कुंडली पता है कि कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, ग्रह कहाँ बैठते हैं, ये पता है? हाँ ये सब मुझे पता वेलकम है मोस्ट वेलकम. देखिए सर, हमें अपनी कुंडली नहीं पता, पर इतना पता है कि आप पढ़ाते हैं तो सब कुछ दिमाग में घुस ही जाएगा आप गुस्सा के ही मानेंगे, आप हमारे सारे ग्रह सही हाँ, मुझे बड़ा मतलब स्टोरी टेलिंग करके पढ़ाने में क्या होता ना, पहले के गुरुकुल में स्टोरी टेलिंग से पढ़ाते थे ताकि लोगों को किसी भी प्लेनेट के बारे में स्टोरी याद रहे, ठीक है, उसका लॉजिक याद रहे कि स्टोरी में ये लॉजिक था, इस वजह से वो आत्मसात होता है. आज के डेट में तो अंग्रेज आए, भैया ए फॉर एप्पल ही बोलना है, ए फॉर और कुछ मत बोलो, ए फॉर एप्पल ही बोलो. तो वो जो ट्रेडिशनल हमारा जो पढ़ने का स्टाइल था ना, वो खत्म होके अब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मैकेनिकल वाला पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ आउटपुट आउटपुट आउटपुट, अपना क्या किया वो उस पर हमारा फोकस नहीं रहता. हम सिर्फ ये करते कि हम दुनिया को क्या दिखाएंगे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं. इसलिए क्या होता है, स्पेशली हम जैसे अकल्ट वाले लोगों का ये समझ लो एक ब्लेसिंग्स है कि सब, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब लोग हमारे पास आते हैं, प्लीज हेल्प मी, ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बाहर निकाल, ठीक है. और हम लोगों को भगवान ने स्पेशली यही करने के लिए दिया है, यू आर बोर्न फॉर इट, गो एंड हेल्प अदर्स. तुम्हारा सोचना नहीं है, तुम्हारा चल जाएगा, होता रहेगा अपना, गो एंड हेल्प अदर्स, जाओ दूसरों को, दूसरों की सहायता करो. और रोशनी जी आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है, आपको भी दूसरों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है, तभी ऐसे लोग आते हैं इस मॉड्यूल पढ़ने के, है जी ना? सर, तो सब मुझे कुछ वही देख ले तो फिर तो पूछना बहुत दुखी हो जाती है आप. कर दो हेल्प, कर दो जैसे भी कर. हाँ जी कर लो, सर, ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा, पढ़ने में मजा आएगा. हाँ बोलिए. हाँ जी आशा जी. मैंने क्या बोलते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा था लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से मैंने कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा, और हमेशा अच्छा. दिमाग में ये होता था कि मतलब जो काम अपने वक्त पे ही हुआ, मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई सही गाइड नहीं किया, और हमेशा ये सोचती थी कि ये सारे एस्ट्रोलॉजर ना सब लूटने के लिए बैठे हैं, सब बेवकूफ बना हाँ रहे हैं आपके मेरा ऐसा विश्वास। मैंने YouTube में वीडियो, इसलिए मैं, मेरा मेन मकसद, मेरा YouTube चैनल है, आप जाएंगे उसमें, एस्ट्रो जेमिनी नाम से है, उसमें ओके पामिस्ट्री और ज्योतिष के बारे में मेरी ज्यादा चर्चाएं हैं. और मेरा YouTube का जितना भी है ना, आप आज के डेट में जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सिर्फ आपको उपाय बता रहे होंगे अपने वीडियोस में, और ये है वो है गोचर वाला बता रहे होंगे, कोई ठीक से नहीं बता रहा होगा कि अगर शनि और बृहस्पति की युति हो तो आदमी क्या फेस करेगा. मेरे जी आप चैनल पे जाइएगा, मैं सब बताता हूँ, सब, एवरीथिंग. मेरा मकसद सर, ये था कि लोग जाने, लोगों को जानना बहुत जरूरी है अपने बारे में. यस सर, मेरे साथ सर ऐसा होता था कि मैं जैसे फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर के पास गई तो उसने मुझे सूर्य के सन के उपाय बता दिए, दूसरे के पास गई उसने मंगल के करा दिए, तो ऐसे करके मैंने नवग्रह के सारे उपाय किए, काम काम कोई नहीं किया। एंड ऑफ द डे मैंने ये डिसीजन लिया कि मतलब इनके पास भी कोई दवाई नहीं है हमारा भाग्य बदलने की। और आज सर क्या बोलते हैं, थोड़ा औकल की तरफ आने से थोड़ा सिर्फ एक आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपसे ये 27 नक्षत्र किए, वो भी तुक्के से कि चलो यार देख लेते हैं, और उसके बाद से अब थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि चलो कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है कि जो मतलब एक ऑथेंटिक होता है ना, एक उससे आप टच कर रहे हो,
यस आपके अंदर कोई ग्रीडीनेस नजर नहीं आ रही है कि नहीं आपको कोई हमसे कोई या किसी से भी आपको कुछ नहीं है, आप अपना ज्ञान बांट रहे हो, तो आपकी जो इस नॉलेज की वजह से, जो आपकी डीप नॉलेज है उसकी वजह से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जो है एस्ट्रोलॉजर पे होने लगा है, नहीं तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर को फेल कर चुकी नहीं हूँ। देखो, किस होता क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर ठीक है। एस्ट्रोलॉजी सही है, हाँ, यस लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर जो आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, वो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में बैठ गए हैं, बस उसी को अप्लाई करते जाना करते जाना करते जाना, बस सामने वाला। हमारे एस्ट्रोलॉजी से भी, हमारे हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में, एकदम शुरू में बताई कि जब मैं बेसिक बेसिक सब कुछ पढ़ के, ये सारी चीजें मैंने खुद पढ़ी हैं, एडवांस लेवल पे जाने के लिए मुझे गुरु की जरूरत पड़ी, तो जब गुरु जी के पास गया था तो गुरु जी ने एक ही बात बोली थी कि ज्योतिष में जब आए हो ना, तो सबसे पहला ये चीज समझ लेना कि जो सामने व्यक्ति आएगा ना, उसको पहले सुनो कि आग कहाँ लगी है, उनको कहाँ परेशान है वो। बाद में तुम प्लेनेट देखना, पहले साइकोलॉजी पढ़ो, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, अपने आप जैसे जैसे वो बातें बोलती जाएंगी, कोई कहेगा कि मेरा ना रिलेशनशिप बहुत इशू हो रहा है, मेरी शादी हुई है लेकिन उसके साथ बनती नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं, तो आपको एफर्ट नहीं लगाना, साथ में घर का गड़बड़ है, सीधा साथ पे पहुंच गए, एफर्ट ही नहीं लगाया, जो ऑटोमेटेड में होता चला गया। तो आपको साइकोलॉजी समझना है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो इसीलिए जो आपने बात कही ना, मेरा मेरा भी शुरू से ये रहता कि मैं समझता हूँ, कि सुनता हूँ ज्यादा, जितना ज्यादा सुनोगे ना उतना ज्यादा आपको फिल्टर करने में इजी रहता। जैसे रेचल जी ने कहा कि मेरे पूरे जॉब में मेरे आसपास हमेशा मैक्सिमम पंडित और ब्राह्मण से रहते थे, ठीक है, अब देखो इन्फ्लुएंस मिला उनको कि इनके पास ऐसे नॉलेज है जिससे बहुत सारी चीजें हम अपने लाइफ में सुधार सकते, ठीक कर सकते, ठीक है ना, तो ऐसे काम करता है। तो आप भी आशा जी, इसके बाद आप भी जो है ना, देखिएगा धीरे 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 चीजों को जितना ज्यादा खुद भी सीखती चली जाएंगी ना, आपका लेवल भी हाई होता जाएगा। आपका चैनल का नाम क्या है सर? एस्ट्रो ओके एस्ट्रो जेमिनी, ए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। ओके हाँ, मैंने एस्ट्रो जेमिनी लिखा तो वो हाथों का आ रहा है सब। हाँ, वही वही पामिस्ट्री, वही वाला, वही वाला एक्चुअली, वहां पर पामिस्ट्री का ज्यादा पॉपुलर है, आप वहां पर भी देख के सीख सकती है, और हम मेरे यहाँ पे कोर्स में भी पामिस्ट्री है, जिनका जिनकी कुंडली नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, उनका हाथ होता है ना, हाथ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूलिटी है, फेस से देख सकते हैं, पैरों के तलवे से भी देख सकते हैं, ठीक है। समुद्र विज्ञान, एक समुद्र शास्त्र करके विज्ञान है, जिसमें जिसका पाठ है हस्तरेखा विज्ञान, हथेली वाला, और उस समुद्र शास्त्र में हमारा क्या आता है, हमारा फेस रीडिंग भी आता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी आता है, हमारे बॉडी का सिमेट्री होता है, ठीक है, हर एक बॉडी एक टाइप का नहीं होता, हमारे टोटल ह्यूमन बीइंग्स में चार अलग तरह के पैटर्न होते हैं, बॉडी का पैटर्न चार अलग अलग तरह, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर, कोई बाईं ओर झुका रहता है, कोई दाईं ओर झुका रहता है, कोई पीछे की ओर झुका रहता है, कोई सामने की ओर इस तरह से झुका रहता है, तो अपना अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न से कुंडली से भी बहुत सारे पैटर्न पकड़ में आते हैं, और सामने जब इंसान आ जाता है तो उससे भी पकड़ में आता है। लेकिन एक चीज ये हुई है कि पहले के टाइम पे, मतलब कोरोना के पहले की बात बता रहा हूँ, लोग आते थे सामने मिलने बैठने के लिए, कोरोना के बाद से ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है और ऑनलाइन ही कंसल्टेंसी लोग लेते हैं, उससे फायदा ये हुआ है कि इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया, क्योंकि अब लोग नहीं आते, कुंडली देखकर ही बताना पड़ता है कि आपको कमर में प्रॉब्लम है इसलिए आप बाई तरफ झुके हुए हैं, या जन्म से ही आपको कुछ ना कुछ इश्यू था जिस वजह से आप जो है टेढ़े हो गए, ठीक है, मतलब उनका बॉडी टाइप पता चल जाता है, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, और बहुत अलग अलग मॉड्युलिटी। मैंने तो यहाँ पर जेमिनी ज्योतिष पढ़ा, लेकिन जेमिनी ज्योतिष थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने के लिए बेसिक क्लियर हो गए तभी जेमिनी ज्योतिष आप कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं क्लियर, मतलब वैदिक वाला करेंगे तब। सर हमारा बेसिक कमजोर है तो क्या हम आपा ये कर सकते हैं ना? हाँ, ये कीजिए, ये कीजिए, साथ में मैं बोल रहा हूँ कि राजीव सर का भी एक बेसिक का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, आप एक बार वहाँ बात कर लेना, बेसिक वाला एक कोर्स है, उसको भी साथ में करेंगी तो और भी इजी रहेगा। वैसे तो मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाते हुए जैसे कहते हैं, अच्छा एक एक चीज को ना बेसिक से ही पढ़ा पढ़ा के ऊपर की हो जाऊंगा, क्लियर भी साथ में होता जाए, ताकि आपने जो पढ़ा है वो फिर से जो है रिवाइज होता जाए। बहुत पहले पढ़ा है सर, पर यूज में नहीं किया ना, तो इसलिए वो आपके साथ रिमाइंड हो जाएगा।
हाँ जरूर जरूर, रिमाइंड भी करा दूंगा। मैंने लाइक रेकी के थ्रू सर मैं अपने ग्रैंड मेरा जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ माय ग्रैंडसन इलनेस जो भी है उसको, ही इज ऑटिस्टिक, अच्छा अच्छा तो उसका मुझे जैसे उसको हीलिंग कर रही हूँ मैं, फिर मुझे इसका देखना था कि इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं इसके। अगर उसको ऑटिज्म है तो जी ऑटिज्म का जो कॉम्बिनेशन हम देखकर उसमें कौन सा प्लान ज़्यादा हावी हो रहा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई कार्मिक उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं। ओके मेनली कहते हैं कि ऑटिज्म जिनको होता है ना वो पास्ट लाइफ में वैसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है, दुनिया उसको तिरस्कार कर देती है, ठीक है, नॉर्मल नहीं समझते। जैसे उसमें सबसे बड़ा नाम है गैलीलियो का, ठीक है, गैलीलियो ने बोला कि अर्थ गोल है तो उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। तो इमोशन सप्रेस होने पे पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो फिर ऑटिज्म में आता है, ऐसे लोग आ जाते हैं, इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे नो एवरीथिंग, उनको समझ में सब आ रहा है। नहीं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट वैसे। हाँ सब कुछ, इवन मैं कहूंगा नॉर्मल लोगों से ज्यादा आईक्यू होता है हम लोग, हाँ बट हाँ दे है कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व, उनको कैसे बोलना है कैसे लोगों को समझाना नहीं पता हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट। जिद्दीपना ज्यादा है, स्टबर्नस उसकी पत्रिका तो में भी वही है ना, कि देखो क्या होता है ना, जब जिद्दी जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो सप्रेस हो रहा है ना अंदर, कहीं ना कहीं वो दब रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आग जिद से ही निकलेगी, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते उसके लिए। और ये ऑटिज्म वाले सेंसिटिव होते हैं, हम बाहर से भले ही देखें कि उसको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, बट दे आर वेरी सेंसिटिव, अंदर उनके क्या चल रहा होता है ना ये उन्हीं को पता है, ठीक है। इनके साथ ये होता है कि ये अगर थोड़ा बहुत किसी से घुल मिल जाते हैं तो ये ऑटिज्म से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये घुल मिल भी नहीं सकते ज्यादा लोगों से, अपना सोसाइटी नहीं अब बना गुल्ले पाते। मिलने लगा बिकॉज इज इन अ रेजिडेंशियल स्कूल नाउ, वेरी गुड, बहुत इसलिए अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, रेजिडेंशियल में डाल के। अब उसकी तो उसको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। हाँ ऑटिज्म वाले लोगों को ना चेस खेलने अगर सीखने, चेस खेलना आ गया ना, दे लाइक जीनियसेस, वो ग्रैंड मास्टर उसको भी फेल कर सकते, उनको हर चाल के बाद 5 चाल के बारे में पता होता है, मतलब फर्स्ट आपने जो चला उसके बाद का 5 कहाँ पे जाएगा वो बता देगा, इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट में नेक्स्ट में क्या होगा। यार मतलब उनका आईक्यू लेवल जो होता है ना वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है, मतलब 200% हो सकता है इस उस लेवल का आईक्यू। वेरी हाई इसका। हाँ आप देखोगे तो भी उसको लगेगा नहीं किसी को कि ही हैज सम ऑटिस्टिक प्रॉब्लम। है, अच्छा। सर एक मेरे साथ एक और है कि मैं जैसे जैसे बड़ी हुई ना, मेरे पास इतनी पुरानी किताबें पड़ी है एस्ट्रोलॉजी की, फेंग शुई की पढ़ा मैंने, अब इस एज में कोर्स में अब कर रही हूँ, लेकिन ये भृगु संहिता हो गई, ये बुक्स मेरे पास काफी पुरानी पड़ी है। अभी आपकी वर्तमान आयु क्या चल रही है? अभी तो सर मुझे 50 हो गए हैं। हाँ तो बस वही हुआ ना, शनि बृहस्पति जब तक एक्टिव नहीं हुआ आप सब में नहीं आई, वही एक एक एज जो है ना, एज भी जो है वो बहुत सारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर देता है, तो तभी एज पर्टिकुलर एज के बाद व्यक्ति का वो वाला ब्रेन का कॉर्नर खुलता है कि मेरे पास होते हुए भी मैंने यूज नहीं किया, अब यूज करना जी ऐसा होता यस सर, तो है। शादी के बाद सर मैंने सारी बुक्स जो थी मेरी एस्ट्रोलॉजी की, फेंग शुई की, वो मैं मन की जब मैंने कुछ किया ही नहीं, बस बुक्स इकट्ठी करती रही अपनी दूसरी स्टडी के साथ, पर किया कुछ नहीं। ओके सर, आई एम लीविंग, चलो ओके ओके, हाँ थैंक यू सर, क्लास मोस्ट वेलकम जी। संगीता जी कुछ में मिलते पूछना चाहती हैं? मिलते हैं अब। हाँ जरूर जरूर, मिलिए आइए ज्वाइन कीजिए, बहुत यस सर, मजा आएगा सीखने में। यस सर, नीरज जी कुछ पूछना चाहती हैं? संगीता जी कुछ पूछना चाहती हैं? संगीता जी तो ब्लैंक ही रह गई पूरे इसमें, कैमरा भी ऑन नहीं किया आपने। नहीं कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ नॉलेज लेना था। हाँ अच्छा, समझना था क्या हो रहा है नहीं हो रहा, क्या चलिए ओके कोई बात नहीं। किसी को और कुछ सवाल पूछना है? नहीं तो मैं एंड करता हूँ, आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए फिर हम लोग कोर्स चालू करते हैं, मजा आएगा बहुत इसमें। मैंने तो सर क्या बोलते हैं वहां एकेडमी में बोल दिया था कि आई एम अ बिग फैन मिथुन सर, हाँ और सर के जो भी कोर्स आएंगे
उसमें मेरा नाम ऐड कर दीजिएगा। हाँ तो सरला जी ने उन्होंने भी ऐसे ही बोला हुआ है कि मैं जो भी कोर्स है ऐड कर देना, वो जो भी सिखाएंगे सीख लेंगे, नहीं भी सिखेंगे तो भी आ जाएगा। वेलकम वेलकम कुमार। जैसे बोला कि मैं बिग फैन हूँ मिथुन सर का, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया कि ठीक है अरे जी। किशोरी लाल जी कैसे हैं आप? अभी आ रहे हैं, अब तो खत्म होने वाला है बहुत दिनों के बाद। हाँ, आशा जी बताइए। नहीं सर, मैंने बता दिया था एकेडमी में कि मैं फैन हूँ और मेरा नाम पहले लिख लीजिए सर की क्लास में, तो उन्होंने डन करके मुझे ग्रुप में ऐड भी कर क्या दिया बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इतने ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही में कब, जब हम पुण्य करते हैं तभी मिलता है ये, पता है आपको? नहीं तो नहीं सर। मिलता। नहीं सर, आपकी जो नॉलेज है वो उसकी हम कर ही नहीं सकते कि इतनी हाई लेवल की आपकी नॉलेज है इस टॉपिक पे, तो इसके लिए तो हम जितना दंडवत प्रणाम करें उसके लिए थैंक यू सर आपका हमारी अब लाइफ जो में आ। सब जो भी दिया हुआ प्रभु का है, बस प्रभु को ही समर्पित सब कुछ। जी सर, किशोरी लाल जी ज्वाइन कर रहे हैं क्या हमारे साथ? बहुत दिनों के बाद आप नहीं, मतलब दूसरे मॉड्यूल्स में आपको देखा नहीं। नमस्कार हाँ नमस्कार नमस्कार। ये बेसिकली हमारा वो सर। है, वो तो ऑफिस का टाइम पता सर, इतना टाइम नहीं मैं संडे को आइए ना, संडे को तो है, सैटरडे और संडे, संडे ऑफिस का टाइम को भी क्लास रहता है क्या आपका? रहता। हाँ हाँ सॉरी, ऑफिस रहता है आपका? अच्छा, इस वजह से नहीं रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे, सैटरडे संडे रहता है। नहीं रहता, तो हाँ। संडे भी आ सकते हैं, सैटरडे वाला रिकॉर्डिंग सुन लेना ठीक है, देखते हैं सर। उसमें। अभी अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था एक्चुअली मैं हाँ इसका, हाँ इसलिए ठीक टाइम नहीं मिल पा रहा। है ठीक है, जैसा भी हो आप अपना टाइम मेंटेन करते चलिए। किसी को और हाँ कुछ ठीक पूछना है तो रखते, नहीं तो फिर खत्म करते हैं, लीव करते हैं। देन आप लोग सभी वेलकम है, जो जो सीखना चाहती हैं प्लीज ज्वाइन कीजिए एकेडमी वाला। मैंने आपको एड्रेस सॉरी फोन नंबर बता दिया, वहां पर कनेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए, वहां से इंस्टॉलमेंट की भी बात कर सकते हैं, 2 महीने का इंस्टॉलमेंट या पेमेंट किस तरह से आप दे सकते हैं ठीक है। बाकी तो प्रभु की इच्छा, देखिए जो लोगों को इंटरेस्ट आएगा वो लोग सीख लेंगे, जिन लोगों को नहीं आएगा, जो लोग सिर्फ नॉलेज लेने के लिए आए हैं, चलो कोई बात नहीं, तारीख उनके से लिए सर मोस्ट फिर वेलकम। ये 10 तारीख से ही करना है हम लोगों को, लेकिन अभी थोड़ा सा शेड्यूल चेक करके, अभी कितने, आज जैसे मेरा वेबिनार हुआ, इसके बाद फिर वो वेबिनार होने के बाद वो डेट डिसाइड करेंगे, हमारे जो टीम जो है वो डेट डिसाइड उसके बाद करते हैं, कितने लोग ज्वाइन होते हैं उस हिसाब से, ठीक है? लेकिन ठीक है सर, 10 तारीख तक कर मोस्ट लेंगे। प्रोबली 10 तारीख तक हो जाएगा, चांसेस ठीक ज़्यादा है, है। 10 तारीख तक कर लेंगे, ठीक है पहले ही कर चलिए। लेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। चलो थैंक यू थैंक यू सो मच, सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वेबिनार में आए, थैंक मुझे यू मेरे मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत सर, धन्यवाद, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। हाँ सर आप वेलकम सुनने मोस्ट योग्य ही हैं, आपको नहीं सुना तो फिर क्या सुनेंगे। वेलकम। नहीं नहीं बस ये आप लोगों का बड़ापन है, प्यार है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। चलिए टाटा, नमस्कार।